दुम्बे में ना एक चीज़ होती है कि दुम्बे की जो चाँप होती है ना, ये बिल्कुल मीठी नहीं होती, इसमें ये फैटी होती है। ये इसमें देखो, ये चर्बी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। आ गया गोश्त, दाल थोड़ी ज़्यादा कर दें, दाल का फ्लेवर भी तो आना चाहिए ना। ताज़ी मिर्चें आएंगी इसके अंदर, अचार आ गया, ये साथ में जो है ये यहाँ से इसकी फाइट लेते हैं। यार यहाँ वैसे खा रहे मसल जैसे स्वाब के नाम होता है। ये मिर्चों वाला और नमक वाला ये रायता है, इसके साथ इसको ट्राई करते हैं इसमें। दिस इज़ द ऑप्टिमम बाइट ऑफ दिस कबाब फ्रॉम इमरान भाई। खत्म यार, ये तो फुल गल गई है माशाल्लाह। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक कर लें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर सुपरली अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। मैं हूं साकिब मुबीन और इस वक्त मैं मौजूद हूं एबटाबाद में, और मेरे साथ ये भाई हैं। आपका नाम क्या? फ़कीर हुसैन। ये कसूर से हैं बेसिकली, लेकिन अभी हम ये गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ फूड पॉइंट्स हैं, कुछ स्नैक्स हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। बाज़ार का एरिया है, ये वही खाना बाज़ार का एरिया है। कुछ समोसा चाट यहाँ की है, वो बहुत फेमस है। फिर यहाँ पे कुछ आइसक्रीम है, यहाँ पे एक इमरान बारबेक्यू वाला है, वो बारबेक्यू ट्राई करेंगे। सारे पॉइंट्स हम इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे, तो अभी हम पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं। दही भल्ले हैं खान जी के, दही भल्ले। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है यार, चार मंजिलें फुल भरी हुई हैं। हुए और माशाल्लाह चार मंजिले बैठने के लिए लोगों को, बैठने के लिए बैठने का सिस्टम है। माशाल्लाह पूरे अहमदाबाद में मशहूर है। ठीक हो गया, लेट्स डू दिस। ये जी कोयटा काला खान होटल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये क्या बना रहे हैं? पकौड़े आलू के? वाह जी, ये आलू वाले पकौड़े बन रहे हैं माशाल्लाह। ये कुलचे हैं और ये पकवान है जी। ठीक हो गया। ये किस तरह किलो है भाई? 160। ये क्या चीज़ है? एक ही चीज़ है, नाम दे, एक ही है दोनों का। ये लंबाई में है, वो गुलाई में है। यार बड़ा रश है वहाँ यहाँ पे। एक पीस मिल जाता है, कितने का ये? 15 का दाना है कि सही है। ये स्नैक के तौर पे चल रहा है। ये देखो, ये चीज़ है बहाल मैदे और उसका सौंफ का बना हुआ। ये बिस्मिल्लाह, यार बड़ा मज़ेदार है मसाला। ये बारवेल लेयर है ना, ये यहाँ से बहुत क्रिस्पी है ये, और अंदर से बहुत ज़्यादा नरम है। ये देखो, जैसे पकौड़ा था ना बेसन का वैसे है, और इसमें जो सौंफ का फ्लेवर आ रहा है ना, वो बहुत कमाल का। यार आप लोग तो बड़ा खाते होंगे ये? हाँ जी। ये बड़ा मज़े का है, जब बारिश होती है उसको हम लेके जाते हैं। अच्छा, बारिश में ज़्यादा मज़ा करते हैं चाय के साथ में। हो, बहुत अच्छा लगता है। इसका जो फ्लेवर आ रहा है ना, इसका जो टेस्ट आ रहा है, वो गुड़ का टेस्ट आ रहा है। ये चीनी में नहीं बना हुआ, और यही इसकी स्पेशल जो इसकी स्पेशलिटी है ना, वो यही है, इसमें गुड़ का फ्लेवर बहुत कमाल का आ रहा है। जी कोयटा काला खान होटल एंड पकवान शॉप है, यहाँ से हमने ये ट्राई किया और बहुत कमाल की चीज़ है माशाल्लाह। खा लिया, मैं आपको लोकेशन समझाया। तो ये ऊपर सदर बाज़ार से नीचे आ रहा है मस्जिद बाज़ार की तरफ, ये आपके राइट पे आएगी मस्जिद, ये वाली नीचे ये कैंट बाज़ार की तरफ जा रहा है। ये मस्जिद के बिल्कुल ऑपोजिट ये शॉप है, कोयटा काला खान होटल एंड पकवान शॉप, बहुत कमाल का पकवान। अभी हम जो है यहाँ से नीचे उतर रहे हैं कैंट बाज़ार की तरफ, और ये वही रोड है जहाँ से अभी हमने काला खान से ट्राई किया था पकवान। और ये हमारे लेफ्ट पर आई है ये साबिर स्वीट्स। ये साबिर स्वीट्स जो है, इसकी सुना है कि इनके जो समोसा चाट है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी। ये माशाल्लाह के बाद गुलाब जामुन भी हैं, समोसे भी हैं, और ये पूरा इनका सेटअप चल रहा है। ये बालूशाही है, शक्कर पारे हैं। शक्कर पारे बहुत मज़े के। सही हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी। ये आपका कितना पुराना चल रहा है ये सेटअप? 1960 से है माशाल्लाह। अच्छा, मशहूर आपकी क्या चीज़ है सबसे ज़्यादा? समोसा चाट मैंने सुना आपकी का मशहूर है। कितने की है? सिंगल 60 की और प्लेट 100 की है। सिंगल 60, क्या हाल है? सिंगल 60 की और प्लेट 100 की है। ठीक है, मुझे ये ताज़े बन के आए हैं समोसे माशाल्लाह। ये समोसा है किस चीज़ का? आलू का समोसा है ये? आलू का। ठीक हो गया। और ये जो गुलाब जामुन भी है, ये माशाल्लाह इनके स्पेशल गुलाब जामुन भी है अभी भाई, वाह। ये किस तरह बताया किलो आपने? ये 460 रुपये किलो है। और ये गुलाब, ये रसगुल्ले भी रखे हुए हैं।
सही है सही है माशाल्लाह, मतलब पूरी मिठाई की दुकान है भाई। ये समोसा ये 60 रुपये की है, ये चने आ गए जो जी, इस पे दही भी आएगा। बस ये रेडी हो गई है, इसमें कोई प्याज टमाटर कुछ नहीं डालते। लो जी ये इनकी समोसा चाट है स्पेशल, जो बहुत ज़्यादा चलती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑर्डर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आ रहे हैं वो सारे इसी चीज़ के आ रहे हैं। तो ट्राई करते हैं इसमें लाइव वाला बना। अरे बहुत मज़ा आया यार, जो समोसे के अंदर फिलिंग है ना उसमें हल्का सा चिकन का फ्लेवर आ रहा है, लेकिन चिकन चुकन कोई है नहीं इसके अंदर। ये तो इन्होंने प्याज बहुत ज़्यादा डाला हुआ है शायद, उसकी वजह से थोड़ा सा फ्लेवर डिफरेंट है, लेकिन ये इंतहाई लजीज चीज़ है यार। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे ना लोग हर कोई भी चीज़ अच्छी जो थोड़ी बहुत अच्छी मिल रही हो उसको ये लोग बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों के टेस्ट बड़े अच्छे हैं और जो वाकई चीज़ अच्छी है उसी को अच्छा समझते हैं। ये चाट जो है ना माशाल्लाह बहुत मज़े की आ रही है, बहुत आ रहा चीज़ है। दही ना भी हो ना वैसे भी समोसा खाली बहुत मज़े का, लेकिन माशाल्लाह बहुत आ रहा। देखिए ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई है कि अगर कोई यहाँ पर आता है इस बाज़ार में आता है शॉपिंग करने, क्योंकि लेडीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो यहाँ पे अगर कोई आता है शॉपिंग करना है इस बाज़ार में आए और साबिर स्वीट्स का समोसा चाट ना खाए तो वो बाज़ार में ना आए ना यार, कोई चीज़ लेनी होती बंदे ने फिर काम ही हो जाता है। बाद बाद नहीं भूख लग रही होती बंदे को, भूख ना भी लगी फिर भी खाना पड़ता है, अपने आप पड़ता है। जब दुकान के सामने से गुजरता है तो दिल करता है देख के साबिर स्वीट के समोसा चाट खा के। सही हो गया, सही है भाई यार। अगर आप यहाँ पे आते हैं ना वाकई, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपने ये समोसा चाट जरूर ट्राई करनी है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम कटले में जा रहे हैं, सिटी थाने के सामने हम अंदर अंदर जा रहे हैं, कटले के अंदर जा रहे हैं। ये कटला क्या होता है? कटला बाजार के मस्जिद बाजार से थोड़ा सा दाईं तरफ है कटला। कटला क्या होता है? इसको बस कटला ही बोलते हैं। कटला है जी ये, यहाँ पे ये रजाइयाँ वगैरह और ये सारा बाजार है। अच्छा जी ये थाना है ये है जी हिमालय इस पर, ये है जी पॉइंट इनके पास। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या जी? शौकत साहब। कौन सी आइसक्रीम है? ये हमारी आइसक्रीम होती है कुल्फे फलूदे वाली। कुल्फे फलूदे वाली बना दें, कितने का एक प्याला होता है? 140 का। 140 का हमारे लिए एक प्याला बना दें आप। कौन सी है ये? ये वनीला है। ये वनीला है जी सर। वो मैंगो था? नहीं वो वनीला है, ये कुल्फा है। अच्छा वो पीले रंग का वनीला है जी हाँ। और ये कुल्फा है जी हाँ। सही है, स्ट्रॉबेरी और ये तीन। अच्छा ये वो जो लच्छे वगैरह बने हुए हैं अपना होता है तो और कोई नहीं बनाता है। सही है। क्या जी सिरप है? रूह अफ़ज़ा। जेली माशाल्लाह। ये जी बादाम आ गए। ये हमारी आइसक्रीम तैयार हो गई, इसको ट्राई करते हैं अभी। इनके पास ये स्ट्रॉबेरी वनीला और कुल्फा, ये तीन चार चीज़ें उन्होंने मिक्स करके हमें दी हैं। ये फरूदा टाइप है, इसके ऊपर उन्होंने ये जो है लच्छे वगैरह डाले हुए थोड़े से, इसको ऐसे ट्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा उसमें नीचे फ्लेवर ऐड कर लेते हैं ये चीज़। बिस्मिल्लाह, गुड यार। और इसमें जो मज़े की चीज़ है ना ये है ना, ये सेंगे हैं, ये जो जो इनके लच्छे होते हैं जिसे फरूदा बोल रहे हैं, ये जो फीके हैं बिल्कुल, ये बिल्कुल फीके हैं। और इसके इसकी वजह से ना ये जो आइसक्रीम है ना इसकी जो मिठास है जब ये इसके साथ ऐड हो रही है ना तो ये फ्लेवर बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। आइसक्रीम मीठी है और ठंडी है, ये जो फरूदा है ये फीका है, जो दोनों चीज़ें जो मिलती हैं तो ना ज़्यादा मीठा है और ना ज़्यादा फीका है, ये बिल्कुल बैलेंस फ्लेवर आता है। ये मज़े की चीज़ है इसके अंदर। ये बड़ी ना सुकून दे सी लोकेशन है ये, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई और दुकानें नहीं है, सिंपल ये एक छोटी सी दुकान है रज़ाई की। यहाँ पे तीन चार पीछे ये दुकानें हैं और ये सामने एक चपली कबाब वाली दुकान है और ये यहाँ पर है ये हिमालय आइस बार। अभी हम जाएँगे खान के पास दही भल्ले खाने के लिए और उसके बाद हम यहाँ पर इमरान का बारबेक्यू बहुत फेमस है इस एरिए के अंदर वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। हिडन जेम्स भी आप कह सकें क्योंकि शायद ये चीज़ें आपने पहले किसी चैनल पर नहीं देखी होंगी, इस पे देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा यार एक बात मैं आपको बताऊँ एबटाबाद के बारे में, एबटाबाद के लोग जो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एजुकेशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, लिटरेसी रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और सिटी इटसेल्फ एक बहुत खूबसूरत सिटी है यार। ये बाज़ार के अतबार से लोकेशन के अतबार से यहाँ पर वादियाँ हैं, पहाड़ हैं, पहाड़ों के दरमियान में लोग रहते हैं और बाज़ार पूरा बना, बहुत कमाल का सिटी है ये। अच्छा ये हम MCB चौक की तरफ जा रहे हैं जी, MCB चौक की तरफ हम जाएँगे तो ये हमारे ये चौक से MCB बैंक से पहले ये रोड कौन सा है? सदर बाजार वाला ये है शादी एरिया और यहाँ पे जो ना ये है जी खान दही भल्ले, यही है यही के पास हम जा रहे हैं। बस हमें ये बता दें ये दुकान आपकी कितनी पुरानी है? ये 42 साल। 40 साल 42 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह। और आपके पास स्पेशल सिर्फ दही भल्ले हैं? जी दही भल्ले स्पेशल है। स्पेशल है, कितने की प्लेट होती है? 90 रुपये की प्लेट होती है। 90 रुपये की। और ये कब खुलती है आपकी दुकान? ये सुबह 8 बजे से खुल लेते हैं। अच्छा सुबह 8 बजे दही भल्ले चलते हैं यहाँ पे? जी 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 माशाल्लाह।
अच्छा, और सारा दिन चलते रहते हैं? जी जी, 9 बजे तक, रात 9 बजे तक। जी सही हो गया, हम आप हम आपसे भी सही वाले ट्राई करते हैं। जी ठीक है, ठीक है।90 रुपए की प्लेट है ये, पूरी प्लेट। जी इसमें आप भल्ले डालते हैं? अच्छा, वो भल्ले रखे हैं, भल्ले डाल के आलू, फिर छोले और प्याज वगैरह। अच्छा, पापड़। जी अच्छा, सही, माशाल्लाह। ये चीज यार, ये माशाल्लाह, ये जो स्पीड है ना, ये आपने कितनी देर में सीखी है स्पीड? 1.5 साल में। वैसे आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 9 साल। 9 साल हो गए माशाल्लाह। ये हमारी प्लेट बन रही है, ये आलू आ गए, ये चने आ गए, ये आ गया जी प्याज और सैलड, ये मसाला नमक, ये मसाला है जी, ये आ गया सादा दही, और ये आ गया मसाले वाला रायते वाला दही। इसके ऊपर और आएगा मसाला, ये जी इसके ऊपर आ गई पापड़ी। ये तैयार होगी जी? यार ये जो ना मसाला चाट है, 90 रुपये की प्लेट है, ये 90 रुपये की प्लेट है। ऊपर इन्होंने पापड़ी डाली हुई है, साथ में ये ताज़ी कटी हुई मिर्चें और टमाटर हैं, और साथ ताज़ा प्याज है। यहाँ पे जो इनका सेटअप ऐसे है कि ये जो नीचे है यहाँ पे ये हॉल है, ये इनकी जो सारा मेकिंग का एरिया है, यहाँ पे कस्टमर काउंटर है इनका, और ऊपर जो है यहाँ पे छोटा सा एक इनका एक गैलरी सी बनी हुई है छोटी सी, यहाँ पे भी एक टेबल लगा हुआ है, यहाँ पे 6-7 बंदे बैठे खा सकते हैं। उसके बाद पीछे जो है बैक साइड पर इसका हॉल है, हॉल के अंदर भी बैठे खा सकते हैं। ऊपर इनके पास 2 मंजिलें हैं, वहाँ पर बैठ के भी लोग माशाल्लाह काफ़ी इनके पास रश होता है अभी, बाज़ार क्योंकि बाज़ार के बीच में मौजूद है, मेन बाज़ार एबटाबाद के अंदर ये मौजूद है। ये सारा जो है ना ऑलरेडी मिक्स हुआ है, इसमें मैं मज़ीद मिक्स नहीं कर रहा, उसको ऐसे ही उठा रहा हूँ। एक चीज़ होती है ना दही भल्लों के अंदर और चाट के अंदर, ये होता है कि कहीं पे मसाला तेज़ होता है, कहीं पे कम होता है, और कहीं पे कुछ इंग्रेडिएंट ज़्यादा होते हैं, कहीं पे कुछ कम होता है, तो हर चम्मच के अंदर डिफरेंट फ्लेवर आता है। तो अगर तो प्लेट में मिलती है आपको चाट, तो उसको आप मिक्स ना करें, उसको आप ऐसे ही उठा के, जैसे ही वो अवेलेबल है, जैसे ही वो आपके चम्मच में आ रही है वैसे उठा के खा लें, मिक्स ना करें उसको, इससे आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर आएंगे। तो अभी हमने यहीं से उठा लिया इसको, ये सिंपल यहीं से उठा लिया। जैसे पापड़ी भी आ गई है, मिर्चें, टमाटर, सब कुछ है। बिस्मिल्लाह, वेरी गुड जॉब। ओए होए यार, वाकई ओहो हो, इतने लाइट, इतने माइल्ड फ्लेवर वाले दही भले हैं, और ठंडे कमाल। ये इनका भला है, ये भला, साथ में ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे उठा लो इसको, डोंट मिक्स इट। ये चीज़ टोटली लव दिस चाट, ये दही भले हैं यार, बहुत कमाल। अभी जो है हम यहाँ से जा रहे हैं वापस, हम जाएंगे इमरान के पास, वहाँ से हम ट्राई करेंगे उसका बारबेक्यू स्पेशल होता है। अभी अभी नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद ट्राई करेंगे। सबसे मज़े की बात यह कि यहाँ पे मौसम बहुत कमाल है भाई, सख्त गर्मी है लेकिन बहुत मज़े का मौसम हो रहा है। अभी हम जाएंगे टांची चौक की तरफ, वहाँ से हम जाएंगे लोहा बाज़ार की तरफ, वहाँ पे है जी इमरान बारबेक्यू, उसका बारबेक्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत फेमस बारबेक्यू, वो ट्राई करेंगे। एक और बात आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है ना, इस वक्त जो है मुझे घास मंडी का एरिया ना, ये घास मंडी है, ये बिल्कुल बैक पे जो है ना ये मस्जिद है, ये और मस्जिद के इस तरफ जो है ना ये दूध वाली दुकान है, बड़ी फेमस है यहाँ पे VDF के नाम से, और इसके बिल्कुल साथ में ये अंडा वाली शॉप है, ये इशफाक साहब है, यहाँ पे मैं बैठा था, इनके पास बैठा हुआ देख रहा था, थोड़ी थोड़ी देर बाद एक पास एक बंदा आता था और आगे पूरी अंडों की ट्रे लेकर चला था, और उसकी वजह यह है कि बिल्कुल फ्रेश अंडे होते हैं इनके पास, इनके अंडे माशाल्लाह बहुत कमाल के हैं। अगर आप यहाँ पे हैं तो आप इनसे अंडे ट्राई कर लें, मैंने खुद देखा यहाँ बैठ के, बहुत माशाल्लाह सेल है इनकी। ये कचहरी रोड से ऊपर टांची चौक जा रहा है, ये सामने जो लाइटें जलती नजर आ रही है ना आपको, ये लाइटें, ये बलोच मैस है जी, ये है जी टांची चौक, और यहाँ से हम इधर को जाएंगे, यहाँ से जाएंगे दाईं तरफ को, इधर को, ये आगे लोहा बाज़ार है, वहाँ पे जी इमरान टिक्के वाला जी, इमरान बारबेक्यू वाले। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? इमरान आपका नाम है जी सर, आपका नाम भी शॉप है जी, जी माशाल्लाह। ये क्या है जी? ये गोश्त है सर। ये कौन सा टिक्का? ये बीफ। ये दरमियान में क्या है? ये बोटी चर्बी की होती है सर। चर्बी की बोटी है? ये जो चक्की होती है वो है जी, लाड लाड। ये आप अफगानी टिक्का बना रहे हैं? नहीं, ये मसाले वाला था सर, चटपटा। अच्छा, ये यार बड़ा मजे का लग रहा है ये।
ये कितने की सीख है एक? ये देते हैं 960 रुपये दर्जन सर। 960 रुपये दर्जन? जी हाँ। दर्जन सीखे? जी हाँ। अरे 80 रुपये की एक सीख? जी हाँ। सही है। और सारा बीफ ही है ना? बीफ सर, बीफ भी है, विंग भी होता है, बोनलेस भी होता है। अच्छा, माशाल्लाह। सर कैसे हैं? ठीक है सर, फिर खा रहे हैं, तबीयत ठीक है जी। ये छोटा सा पॉइंट है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। छोटा सा पॉइंट है लेकिन इनके पास इतने माशाल्लाह कमाल कमाल की चीज़ें हैं। देखने में जो है ना बड़ा आम सी जगह लग रही है, लेकिन इट्स हिडन जेम यार, टोटली हिडन जेम। ये माशाल्लाह ये बीफ की टिक्के हैं। ये कौन से कबाब है जी? ये कौन सा है? ये सीख कबाब। किस का? बीफ का, गोश्त वाला। ठीक है। और ये नीचे जो है ये विंग्स है और ये बोनलेस है। ये विंग्स हैं जी? ये विंग्स है। ये कितने की सीख है? 1200 रुपये की। 100 रुपये की सीख है। और ये बोनलेस है सर, ये बोनलेस, ये बोनलेस चिकन है। ये किस तरह? 960। ये भी 80 रुपये की सीख है। ठीक हो गया। बस ये तीन चार चीज़ें आपके पास टोटल। इमरान भाई कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे? जरा जी मेरे तकरीबन 25 साल हो गया सर। अच्छा, मुझे एक बात का, एक छोटा सा सवाल का जवाब दें, क्योंकि ये जो लोग वीडियो देखते हैं ना वो नीचे कमेंट करते हैं जी जी, वो ये पूछेंगे कि आप 25 साल से इधर क्यों बैठे हुए हैं? बस इधर थे, पहले तो मुझे बाजार में एक शॉप है हमारी। अच्छा। काफ़ी टाइम इधर वाले साहब ने शुरू किया था, फिर 2002 में मैं उनके साथ खड़े हूँ, तो ये करीब ही हमारा घर है, हमें मतलब बेहतर रहता है ये। अच्छा, यहाँ से ज़रा करीब पड़ता है आपको जी? हाँ। कितने बजे शुरू करते हैं? असर के बाद आ जाते हैं सर। असर के बाद जी? हाँ। अच्छा, ये गोश्त आप किसका, कौन से जानवर का यूज़ करते हैं? भैंस का होता है या गाय का होता है? ये भैंस का होता है। भैंस का तकरीबन 4 मन साढ़े 4 मन का जवान जानवर? जी हाँ, जवान जानवर, 4 मन साढ़े 4 मन का जानवर होता है। और ये कौन से हिस्से का गोश्त है? ये रान का गोश्त। रान का जी हाँ। सही है। अंडरकट ज़्यादातर इस्तेमाल होती है उसमें। अंडरकट, ये अंडरकट का टिक्का? जी हाँ अलहमदुलिल्लाह। ये भी आप खाएंगे, आप ट्राई करेंगे, फिर आपको पता चलेगा ना। बत्ती का गोश्त कहते हैं ना इसको? बत्ती का गोश्त कहते हैं, बिल्कुल सर। हाँ जी, हाँ जी, ये नहीं मिलता। एक ये एक जानवर में से ना 3.5 किलो या 2-3 किलो का पीस निकलता है। पीस होता है सर तकरीबन, इसके ऊपर जो रोगन होता है वो तकरीबन 2.5 किलो 3 किलो के लगभग, जो इसके ऊपर सिर्फ रोगन होता है जो जाया होता है, उसके अंदर ये गोश होता है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। सही है माशाल्लाह। ये हवेलियाँ से हैं खाने के लिए? माशाल्लाह। हवेलियाँ कितनी दूर है? घंटे का तकरीबन है, तकरीबन आधा पौने घंटे का रास्ता है। घंटे का रास्ता है जी हाँ। और सिर्फ ये खाने हैं माशाल्लाह। लो जी, ये इन्होंने जो है ना, ये हमें हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। ये इनके विंग्स हैं, ये देखो ये विंग्स हैं इनके। और ये जो है ये बीफ टिक्का है इनका, जो दिखने में सबसे स्पेशल चीज़ मुझे लग रही है वो ये बीफ टिक्का है इनका। और साथ में जो है 3 कबाब है। ये दिए इन्होंने हमें नान के साथ, हम इसको बारी बारी ट्राई करेंगे, ऐसे सीख से डायरेक्ट ट्राई करते हैं। सबसे पहले जो है ना, ये सबसे मज़े की चीज़ लग रही है, पहले ट्राई करते हैं ये जी बीफ टिक्का, इसको ट्राई करते हैं पहले। वाह वाह, बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है यार। यार इतना नरम है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कलेजी खा रहा हूँ। ये जूसी फुल, कोई ऑयल नहीं लगाते हुए नज़र आया भाई मुझे। ये सारा जो रोगन है, ये सारा जो जूस है, सारा जूस जो है ये बीफ का अपना है। स्पेशल रायता है इनका। यार इंतहा मज़ेदार चीज़ है। इस लेवल का बीफ टिक्का मैंने पिशावर में भी नहीं खाया, बहुत ही आला यार। चटपटा है थोड़ा, जूसी चटपटा, सॉफ्ट भी है क्योंकि बाहर से हल्का हल्का क्रिस्पी हो गया, अंदर से सॉफ्ट है। मतलब इतना सॉफ्ट है कि आपको लगेगा आप कलेजी चबा रहे हैं, ऐसे सॉफ्ट है अंदर से। और बहुत कमाल के मसाले लगे हुए हैं इस पर। ओहो, ये पॉइंट देखने में इतना छोटा लग रहा है, इसके छोटे साइज में मत जाना भाई। इनके पास रश बहुत ज़्यादा लगा माशाल्लाह। दूसरी तरफ जहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए हैं, पीछे भी लोग बैठे हुए हैं, इधर भी लोग बैठे हुए हैं। बहुत आला यार। ये जो है ना कबाब, इस तरह यह मैं दर्जन कबाब में आराम से खा लेता हूँ। और ये जो दर्जन का हिसाब बता रहे ना कि 980 रुपये दर्जन है और एक 1200 रुपये दर्जन है, यार ये ऐसी चीज़ है कि दर्जन दर्जन ही खाई जाएगी। ये इसकी कॉपी में हम बाई ट्राई करते हैं कबाब की। वैसे एक तरफ एक
इटसेल्फ ये एक ऑप्टिमम चीज़ है, लेकिन जो कि रायता साथ इन्होंने दिया हुआ है हमें, ये मिर्चों वाला और नमक वाला ये रायता है, इसके साथ इसको ट्राई करते हैं। दिस इज़ द ऑप्टिमम बाइट ऑफ दिस कबाब फ्रॉम इमरान भाई इन एबटाबाद लोहा बाजार। बिस्मिल्लाह। ख़त्म यार ये बीफ कबाब, ख़त्म है। इसमें बहुत ज़्यादा प्याज नहीं है, इसमें प्याज बहुत ज़्यादा नहीं है, है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर जो सारा फ्लेवर है वो ये सारा जो जूस है, ये सारा जो फ्लेवर है ये ज़्यादा बीफ का है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जा रही है, मैं डिप करी जाओ तो खाई जाओ। लो जी ये चिकन बोनलेस, ये चिकन बोनलेस है इनका। ओए होए सॉफ्ट, कमाल हो गया यार यार ये विंग्स। ये माशाल्लाह बहुत ही आला चीज़ है यार। बस ये विंग्स ट्राई करते हैं ये। जो लोग चिकन खाने का शौकीन है उनके लिए बहुत कमाल चीज़ है यार। हर चीज़ कमाल है, लेकिन ये कबाब और ये बीफ टिक्का नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई। ये बीफ टिक्का तो सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है, दूसरा इन्होंने जिसके अंदर मसाला यूज़ किया हुआ है ना उसमें हल्की हल्की खटास है, शायद इन्होंने उसमें लीमो का रस यूज़ किया हुआ है उसी मैरिनेशन के अंदर, या फिर सिरके में उसको हल्का सा डिबोया, कुछ किया है इन्होंने। और सेम चीज़ जो है ना वो बीफ कबाब के साथ भी है, कीमे के साथ भी यही कुछ किया, हल्की हल्की उसके अंदर खटास आ रही है। वो खटास इतनी कमाल की लग रही है ना माशाल्लाह। ये दोनों चीज़ें बीफ टिक्का और बीफ कबाब, ये दोनों इनके कमाल के। अगर आपको बीफ पसंद नहीं है तो चिकन लवर्स हैं अगर आप, तो ये चिकन की ये जो बोनलेस बोटी है ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी सजेशन माने यहाँ पे आने के लिए, तो आपने यहाँ पे आकर बीफ टिक्का ट्राई करना है और बीफ कबाब ट्राई करना है। और आपने दर्जन का दर्जन इकट्ठा नहीं मंगवाना, आपने तीन तीन करके मंगवाने हैं, ताकि जब वो आए तो वो गर्म गर्म रहे एक बार। दूसरी बात यह है कि आपको उसमें से वो जूसी रहेगा, जब जितना गर्म रहेगा उतना वो जूसी रहेगा, ठंडा हो जाएगा तो उसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा। एबटाबाद में यहाँ पे लोग एक नाश्ता करते हैं जो यहाँ पे बड़ा फेमस है, वो है आफ्ताब स्वीट्स का नाश्ता। आफ्ताब स्वीट्स का नाश्ता है, वो हलवा पूड़ी वहाँ पे मिलती है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, वो जाकर ट्रैक करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह, यहाँ पे गुरुद्वारा गली है वहाँ पे चने मिलते हैं, वो ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। अभी स्टार्ट करते हैं आफ्ताब स्वीट से, हलवा पूड़ी नाश्ते से। अच्छा जी अभी हम आ गए हैं आफ्ताब स्वीट्स में, बैक पे आपको नजर आ रही गली के अंदर है ये, यहाँ पे इसकी मैं लोकेशन आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हलवा पूड़ी मिलती है, बहुत स्पेशल होती है। ये जी MCB चौक है, ये रोड है जिना रोड। जिना रोड से जब आप MCB चौक से मेन बाज़ार की तरफ आएंगे तो आके ये कॉर्नर पे लेफ्ट पे जो है जूस वाली शॉप है। इस जूस वाली शॉप के साथ पतली गली अंदर जा रही है, इस गली के अंदर जो है ये है जी आफ्ताब स्वीट्स, इनके पास चलते हैं। ये जी ये शॉप है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका जी? यासर साहब। ये माशाल्लाह सूजी का हलवा, ठीक है। वैसे हम सर थोड़ा लेट हो गए हैं, ऐसे ही है हम थोड़ा लेट हो गए हैं। नहीं, 12 बजे तक मिलता है नाश्ता। सुबह कितने बजे शुरू करते हैं? 6:15 शुरू करते हैं। तो आपकी स्पेशल हलवा पूड़ी है? हलवा पूड़ी है। सही मैदे में होती है ये कि आटा मिक्स करते हैं? अच्छा मिक्स होता है। ये जी इनकी पूड़ियाँ तैयार हुई हैं। अच्छा यार ये जो हलवा पूड़ी है ना, आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, इवन इंडिया में भी किसी भी कोने में चले जाएं, या मुझे लगता है शायद दुनिया के भी किसी भी कोने में चले जाएं, आपको हलवा पूड़ी हर जगह मिलेगी। ऐसा यूनिक मतलब ऐसा ये जो है ना यूनिवर्सल नाश्ता है यहाँ पे, तो ख़ास तौर पर जो हमारे एशियन रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा चलता है। क्योंकि एक तो ये वेज नाश्ता होता है, हर बंदा खा लेता है, इसमें कोई गोश्त नहीं होता, कोई इसमें मीट नहीं होता, कोई कीमा शीमा नहीं होता, प्रॉपर जो है वो सिर्फ एक मैदे की और आटे की पूड़ी होती है, हलवा होता है और साथ में हल्के से चने या आलू होते हैं। और ये जो है ना मतलब हर जगह पर चलता है। ये कितने की पूड़ी है जी? सर पहले 40 की, 50 की हो गई है। 50 की हो गई है, फ्री आते हैं खाली चने, आलू तो नहीं होते? आलू की भुजिया भी होती है, वो इतवार को होती है। अच्छा ये ज्यादती है वैसे, सही है। ये जो पूड़ा है ये माल पूड़ा होता है। इसे माल पूड़ा कितने का है? ये टोल का साहब होता है, 120 रुपए पाव है। हलवा हलवा दो पूड़ा 180 रुपए किलो है। 480 रुपए किलो। अच्छा इसके अलावा बड़े फेमस जामुन भी है। ये गुलाब जामुन जो बड़े मशहूर है, गर्म जामुन 1 बजे के बाद आते हैं ना? गर्म 1 बजे के बाद मिलेगा। हाँ वो छोटे वाले होते हैं, छोटे वाले यही वाला होता है। रसमलाई खीर और गुलाब जामुन ये नाश्ते के बाद आएगा। ये इनका सेटअप है सारा माशाल्लाह से। और ये थोड़ा सा सर आप आए ना हमारे पास,
टेस्ट करें कर लेते हैं जनाब। अच्छा इसमें आपने आलू मिक्स किए हुए? नहीं कम मकदार में, वो कुवार बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा ये इनका जो है ये सारा काउंटर वगैरह है और यहाँ पीछे जो है बैठने का सारा सिस्टम है इनका। ये पीछे चाय भी मिल रही है? चाय चाय चलो चाय भी है भाई पीछे। मोहम्मद अमीन साहब जी कब से नाश्ता कर रहे हैं यहाँ से आप? हाँ जी 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 तकरीबन 40 साल से जी। मज़ा आ रहा है आपको? मज़ा आता है तो हम घर से आते हैं जी। कहाँ से आते हैं? हम काकुल से आते हैं। काकुल से आते हैं यहाँ नाश्ता करने? नाश्ते करने। अच्छा माशाल्लाह इतना फेमस है ये, इतना मज़े का है। हाँ इनके वालिद साहब को वो फोटो लगा हुआ है। हाँ जी तकरीबन उनके मरे हुए 20 साल हो गए हैं लेकिन हम अभी भी उनकी याद में आते हैं। सही हो गया माशाल्लाह। दो पूड़ियाँ हमने मंगवाई इनसे, अभी हमने और भी चीज़ें ट्राई करनी है इसलिए सिर्फ दो पूड़ियाँ मंगाई। साथ में चने हैं, चने में मज़ेदार चीज़ यह है कि इन्होंने साथ दही दिया है। दही के साथ हलवा पूड़ी जो है ना एक अल्टीमेट वाली ऑप्टिमम बाइट बनती है इसकी। और साथ में जो है ये हलवा है ये अलग से दिया है, कितने का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। यहाँ 50 रुपये का 100 रुपये का उन्होंने दिया है, साथ में ये मालपुड़ा का नाश्ते में चलता है। यहाँ से ये पूड़ी आएगी यार, ये पूड़ी हाँ हाँ क्वालिटी इसकी अच्छी है पूड़ी की, ये देखो मज़ेदार चीज़ है ये। इसको जो है यहाँ से हम लेंगे साथ में थोड़े से, ये आलू इसमें साथ जो है ना मिक्स हुआ है, ऑलरेडी मिक्स हुआ है। ऐसे आलू भाजी अलग से होती है इतवार वाले दिन, आज के दिन नहीं है। तो ये सिंपल चने हैं जी, सिंपल चने हैं, चने ट्राई करते हैं बाद में फिर उसके ऊपर दही डाल के ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह ही वहाँ लगा रहे वेरी गुड। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आप 20 साल से मतलब आप 40 साल से यहाँ से खा रहे हैं ना तो बाकी बनता है। अच्छा हाँ मज़ेदार चीज़ है, बहुत मज़ेदार है, वाकई बहुत मज़ेदार। सबसे मज़ेदार चीज़ एक तो पूड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पूड़ी बहुत मज़ेदार चीज़ है। पूड़ी कहीं से अकड़ी भी नहीं है, कहीं से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, एक वो रबड़ी टेक्सचर ही नहीं है इसका। पूड़ी बहुत कमाल की यार, ये फाइनेस्ट पूड़ी, वन ऑफ द फाइनेस्ट पूड़ी यार। और ये साथ में जो चने हैं ना यार ये बहुत नरम है और इसका जो फ्लेवर आ रहा है ना बहुत ही मज़ेदार आ रहा है यार। मतलब ये बहुत लाइट सा माइल्ड सा नरम नरम सा एक सॉफ्ट सा फ्लेवर है इसका, बहुत आ रहा है। इसको खा कर ना मुझे फैसलाबाद में जो अमीनपुर बाज़ार वाली नाश्ता था ना, अमीनपुर बाज़ार का जो हलवा पूड़ी का नाश्ता था वो याद आ रहा है। अल्लाह यार अगर आप एप्टाबाद में अगर नाश्ता चाह रहे हैं बेस्ट नाश्ता, दिस इज़ द बेस्ट नाश्ता इन एप्टाबाद, हलवा ट्राई करते हैं। ये जी इनका हलवा, ये हलवा भी जो है ना खाने में बड़ा मज़े का लग रहा है। बिस्मिल्लाह बहुत आ रहा है। कई हलवा ऐसे होते हैं उनमें कच्चा बनाता है, चीनी का फ्लेवर अलग आ रहा होता है, हलवे का फ्लेवर अलग आ रहा होता है, पानी ज़्यादा होता है। इसमें ऐसा नहीं है, मीठा भी बिल्कुल बैलेंस्ड है, ज़्यादा तेज़ मीठा नहीं है इसके अंदर, मुनासिब बैलेंस मीठा है। और हलवा बहुत कमाल का पका हुआ यार। अभी इसकी एक ऑप्टिमम बाइट ट्राई करते हैं। ये आ गए हमारे पास, पहले हम हलवा लेंगे, थोड़ा सा लेंगे हलवा, थोड़े से लेंगे जी चने, यहाँ से चने और ये आएगा साथ इसके ऊपर दही। हलवा पूड़ी के साथ जो है ना दही ये बड़ा अल्टीमेट फ्लेवर होता है भाई। बिस्मिल्लाह यार दही ना थोड़ा सा खट्टा है, इंसान चाटी की लस्सी बनी होती है ना चाटी की, चाटी वाला फ्लेवर आ रहा है तो खट्टे खटा सा दही की, लेकिन वो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया नाश्ता करके, दिल खुश हो गया यार। ये जो है ना इनका गुलाब जामुन है, ये वाला स्पेशल गुलाब जामुन है, अभी रात के बने होंगे या सुबह के बने होंगे, जो भी है फ्रेश आता है वो आता है तकरीबन 1 बजे के बाद। अभी हम इसको ट्राई कर लेते हैं जो यहाँ पर अवेलेबल है इसमें, क्योंकि टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, क्योंकि मिठाई गर्म खाने का अपना मज़ा, ठंडी मिठाई खाने में वो चीज़ नहीं है जो गर्म मिठाई खाने के अंदर। बहुत मज़ेदार चीज़ है यार, इनके सारे इंग्रेडिएंट्स में ना कुछ है एक स्पेशल इंग्रेडिएंट को ऐसा है जिसमें फ्लेवर है सारा। ये शक्कर बारह का जी मैं अभी इनसे कह रहा था कैमरे में, ये शुक्रबारा ये बड़ी मशहूर सौगात है, मुझे लगता है पूरे एप्टाबाग सबसे जो मशहूर मिठाई है आपकी शॉप की शायद। बस शुक्रबारा दर खसूस शुक्रबारा। ये किस तरह किलो देते हैं आप शुक्रबारा जो? शुक्रबारा सर 500 रुपए किलो है। अच्छा ये बर्फी है जी? जी जी ये बर्फी। ये दही वाला सिस्टम बड़ा कमाल है आपका, दही के बगैर नहीं खाते लोग यहाँ पे? अच्छा ये नाश्ते में लोग दही खाते हैं इसलिए आप यहाँ दही डालते हैं? अच्छा लाजमी होता है, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं जी गुरुद्वारा गली पर, यहाँ से नाश्ता यार बहुत कमाल का नाश्ता था। मतलब अगर आप यहाँ पे आते हैं और नाश्ता करना चाह रहे हो तो एप्टाबाद के अंदर ये इट्स वन ऑफ द बेस्ट नाश्ता इन एप्टाबाद, मतलब आई थिंक बेस्ट नाश्ता है एप्टाबाद। गुरुद्वारा गली के छोले बड़े मशहूर हैं, काला खान को है चने वाला, वहाँ पर वो चलते हैं अभी। ये जी गुरुद्वारा है, पहले एक गुरुद्वारा था
ये जो लिखा हुआ है ऊपर, ये जो जो लोग ये लैंग्वेज समझते हैं, हिंदी है शायद, अपनी कौन सी लैंग्वेज है जो समझते हैं, उनको समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये जो है गुरुद्वारा था, जैसे गुरुद्वारा गली इसको बोलते हैं, और ये आगे जो है ये यहाँ पर प्राइमरी स्कूल, ये जो है प्राइमरी स्कूल बन चुका है, ये पहले आर्य मंदिर था। ये जो एरिया ना सारा यहाँ पे है, ये चने वाले काफ़ी सारे बैठे हुए हैं, ये भी बैठे हुए हैं, ये भी है शॉप, एक मंदिर भी है, ये भी शॉप है, बहुत सारे हैं जी यहाँ पे। सबसे पुराना जो है सुना है, पुराना सबसे पुराना ये वाला है, ये शॉप है जी सबसे पुरानी ग्रीन वाली, ये उनसे ट्राई करते हैं। यार ये बड़ी मज़े की चीज़ लग रही है देखने में, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है क्या जी? मशहूर चने हैं, मशहूर है यहाँ के, खाली चने, ये चाट है, नस्ल दर नस्ल चल रही है। कितनी नस्लें चल गई हैं? दो गुजर चुकी हैं, हो गए 50-60 साल तो हो गए। सही है, इसमें होता क्या क्या स्पेशल? पानी में उबले हुए चने हैं। अच्छा, और हल्के से मसाले होंगे? हल्के से मसाले, और साथ ये रायता है स्पेशल। ये किस चीज़ से बनाते हैं आप? जी इमली से बनाते हैं। इमली जी, सही है, और प्याज वगैरह डाला हुआ। और ये क्या चीज़ है? दही है। ये सादा दही है, ये भी साथ चलता है। तो कितने की प्लेट देते हैं? 50 की प्लेट है। यार यहाँ ये ऐसे चल रहे हैं जैसे मुफ्त में मिल रहा था माशाल्लाह। और खुलता कितने बजे, आप ओपन कितने बजे करते हैं? सुबह 5:30-6 बजे। सुबह 5:30-6 बजे, और कब तक चलता है? मगरिब तक चलता है। सारा दिन चलता है। तो ये जो ख़त्म हो जाएगा फिर क्या करेंगे दोबारा? और पीछे रखे हुए दिखाएँ कहाँ रखे हुए? अच्छा, प्रेशर लगाया हुआ आपने, वो खैर सही हो गया। अच्छा, ये सफ़ेद चने होते हैं काले? सफ़ेद चने पका पका के आपने काले कर दिए? आपका नाम मैंने पूछा ही, मलिक काला खान। मलिक काला खान, अच्छा आपका नाम काला खान है। यार आप ऐसे खा रहे मसला जैसे स्वाब के नाम होता है, ट्राई करते हैं यार, बड़ी मज़ा चीज़ लग रही है ये। अच्छा, इसमें कुछ लोग आलू भी डालते हैं, आप आलू नहीं डालते? आलू मैंने रखे हुए हैं, अभी डालता हूं। ये नाश्ते में नहीं चलते ना, नाश्ते के बाद? नाश्ते के बाद। तो जी ये स्पेशल चने हैं इनके, ये देखो, ये बड़े सिंपल दिख रहे हैं, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसकी कोई खास रेसिपी लग रही थी दिखने में, लेकिन ये मतलब बहुत ज़्यादा चलते हैं यहाँ पे यार, ये स्पेशल कोई सौगात है इस एरिए की, इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। ओए होए 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 होए, इसका सारा जो फ्लेवर है ना, वो जो दही का रायता डाला ना इन्होंने, जो खट्टा वाला रायता, इमली का रायता बोल रहे हैं, इमली के अंदर दही के अंदर इमली डाल के उन्होंने रायता तैयार किया हुआ, सारा फ्लेवर उसका यार। और चने इटसेल्फ जो है ना, मतलब ये मैंने बड़ी यूनिक चीज़ है यार, ये यहाँ की सौगात है कोई खट्टा बात नहीं, बहुत अला यार। साथ में थोड़ा सा प्याज और ये टमाटर भी डाल लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, कमाल है यार। और मज़े की बात ये कि ये चीज़ यहाँ पे नाश्ते में चलती है, बैठने का कोई सिस्टम नहीं है, जितने भी शाह साहब सारी लाइन में नज़र आ रही हैं सब के आगे को है, कोई बैठने का सिस्टम नहीं है, जिसने भी लेना है लेके खड़े होकर खाना, यहाँ पे हमें कोई बैठने का सिस्टम नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैं खड़े होकर खा रही हूँ यार। आई लव दिस, बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन है बहुत कमाल, सारा फ्लेवर दही के अंदर है यार। ये हमारे लड़के को खिलाने लगा भाई, मैं पेट ना भरा तूने वहाँ पे, हल्ला पूड़ी ना खाई, ये हल्ला पूड़ी नहीं खाता लड़का, ये यहीं से पेट भरेगा सारा अपना। बहुत मज़े के हैं यार, यार इसको बहुत मज़े के लग रहे हैं ना, बहुत मज़े के हैं यार, इतनी सिंपल सी रेसिपी है यार, इतनी सिंपल रेसिपी है माशाल्लाह से, और लेकिन दहाई कमाल चीज़ है यार, मतलब मैं इंप्रेस हो गया उस चीज़ से। काला खान की शॉप है, पुरानी शॉप यही वाली, बाकी सारी जो है सारी बाद में आई है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अक्सर लोग बोलते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में चनों के अलावा कुछ नहीं चलता, यार चनों के साथ इतना खेलते हैं यहाँ पे, हलवा पूड़ी में चने, नान चनों में चने, फिर आपके समोसे के साथ चने, यहाँ पे आलू चाट बनती है, चने की चाट बनती है उसमें चने, फिर ये जो छोले हैं यहाँ पे चने, फिर पिंडी छोले होते हैं उसमें चने, और हर चीज़ में चने ही होते हैं यहाँ पे लाहौर के, लाहौर के पाकिस्तान में पूरे में चने ही चने होते हैं यहाँ पे, चनों की इतनी वैरायटी है यहाँ पे, ये भी वन ऑफ द फाइनेस्ट चने की वैरायटी है ये। मैंने जो चीज़ नोटिस किया ना, सारा जादू इसके अंदर है। हाँ, ये जादू की चीज़ असल ये जो है, इसकी लोकेशन जो है ना मैं आपको समझाता हूँ, बड़ी सिंपल सी है, ये जिना रोड है, जिना रोड पे आप फुवारा चौक से जब आप आएंगे एमसीबी चौक की तरफ,
ये आगे जाएगा MCB चौक की तरफ। MCB चौक से पहले उल्टे हाथ पे ये आपके राइट साइड पर कुरैशी डेंटल क्लिनिक, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये गली है, ये इसे गुरुद्वारा गली बोलते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस आ जाएगा, लेफ्ट साइड पर गुरुद्वारा और राइट साइड पर शॉप्स है। इनमें जब आप अंदर जाएंगे सबसे आखिरी वाली शॉप है राइट साइड के ऊपर कॉर्नर के ऊपर, ग्रीन कलर की सारी इसकी बिल्डिंग है। जब आप हवेलियाँ से आएंगे एबटाबाद की तरफ जाएंगे, यहाँ से जब आप हवेलियाँ क्रॉस करेंगे थोड़ा सा आगे आएंगे, ये सारा एरिया जो है सलहट का एरिया। यहाँ पे एक होटल है, यहाँ की दाल माश बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, इनकी दाल माश है वो ट्राई करेंगे इनसे। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे हवेलियाँ की तरफ को, वहाँ पे जो है सलीम भाई के पकोड़े, वहाँ पे जाकर उनसे तुर्की पकोड़े ट्राई करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे एबटाबाद की दूसरी साइड पे, दूसरी साइड पे कलंदराबाद है मानसरा से पहले, वहाँ पे जाके वहाँ के फेमस कबाब ट्राई करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, जो ड्राइवर होटल है यहाँ की दाल माश ट्राई करते हैं। कि सबसे जो मज़े की चीज़ है उसकी लोकेशन है, पूरी वैली है, ये पहाड़ है सारे, और इनके इस तरफ भी जो है इस तरफ भी सारे पहाड़ हैं। नीचे रोड चल रहा है और रोड के ऊपर ही बैठा हुआ है। इसकी फिलहाल निशानी यही है कि सलहट का एरिया, यहाँ पे डिवाइडर खत्म होता है, जैसे डिवाइडर खत्म होगा तो आपके लेफ्ट साइड पे ये पॉइंट है जी, ये वाला। अभी इनके पास चलते हैं। आदि आ गए आप व्लॉग में, आ गए ये भाई पेशावर से हैं, आपका नाम क्या बताया आपने? अब्दुल बासित भाई हैं, ये पेशावर से मेरी वीडियो देख के लाहौर के जो है अपना आधे से ज़्यादा जो है पेट्रोल इन्होंने मेरी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो रही है। ऐसी ये होटल है, ये यहाँ पे माशाल्लाह इनके रश लगा हुआ काफ़ी, इनके पास चलते हैं। ये इनका किचन है, इसकी जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पे होती है, सर्विंग इसकी यहाँ पे होती है, ये फ्राई यहाँ पे करते हैं इसको। इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भैया? ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? अब्बास भाई। ये है जी दाल माश, ये है वो दाल माश जो हर जाते हुए बंदे को रोक लेती है यहाँ पे, ये है दाल माश। ठीक हो गया, दाल माश पान ली। इसमें हमने क्या क्या डाला? धनिया और ये मिर्च है, बस यही डाला अभी आपने इसके अंदर? ये डाला, ये टमाटर है। टमाटर, अच्छा टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ, अच्छा ये पेस्ट है, ठीक है। और ये दाल है, वो क्या जी? ग्रेवी है, ये ऑयल है, सादा ऑयल है, देसी घी तो नहीं है? देसी घी इसमें? ओह ये है सीक्रेट मसाला, ये आज तक किसी को पता नहीं चल सका इसके अंदर क्या है। ठीक हो गया, ये सीक्रेट मसाला भाई। ये कितने की प्लेट है इसकी? 150। ये और तरी आ गई माशाल्लाह। अच्छा देसी के ऊपर से डालते हैं? ओ वाह जी वाह माशाल्लाह। ये सीक्रेट मसाला, पता लगे काली मिर्ची उखा लिया है, ये मुझे ऐसे लग रहा है जो इसको सीक्रेट मसाला कह रहे हैं, ये पिसी हुई काली मिर्च है भाई। ये क्या चीज़ है? ये दाल पालक मिक्स। दाल पालक मिक्स है ये? अच्छा ये दाल माछ और पालक है ना, मिक्स है। और क्या क्या है आपके पास? ये क्या है जी? ये भिंडी। अच्छा भिंडी को कैसे फ्राई करते हैं? ये भिंडी डालनी है, टमाटर का पेस्ट आ गया, ये तरी आ गई। यानी आपके पास भिंडी है, दाल है, चने हैं और दाल पालक है। पालक अलग पकी होती है? पालक अलग पकी होती है। दाल में उसको मिक्स कर देते हैं आप। ये जी आ गई भिंडी, ये कितने की प्लेट है? ये भी खूब ज़्यादा, इसमें देसी घी नहीं डालते? और इसमें भी देसी घी डालते हैं। लो जी यहाँ पे चाय भी बन रही माशाल्लाह। तो आपकी सुना चाय भी बड़ी फेमस है, ऐसे ही है? लो जी चने भी आ गए, ये पालक, ये टमाटर आ गए, ये ऑयल आ गया, ये बड़ा सिंपल काम है ना। ये आ गया, ये धनिया और मिर्च रखी हुई है, ये धनिया आ गया, ये चने, ये भी 140 की है, ये 150 की है, चने महंगे हैं। ये भी घी आ गया, आ गया। ये जी इनका यहाँ पे काउंटर है जहाँ पे ये तड़के वगैरह लगाते हैं, और इस तरफ जो है ना ये इनका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है माशाल्लाह। यार इनकी आँखें बड़ी प्यारी है माशाल्लाह, यहाँ पे तंदूर है, आपकी आँखें बड़ी प्यारी है माशाल्लाह, दूर से नज़र आ रही थी। आपका नाम क्या जी? मैं आप इधर लैपटॉप पास ही हैं माशाल्लाह। सामने वो ऊपर वहाँ रहते हैं आप? ये दाल माश इधर तैयार होती है, यहाँ तैयार होती है। अच्छा ये माशाल्लाह, अच्छा ये अभी तैयार होगी, अभी इसको मसाला लगाएंगे। ठीक है ठीक। लो जी ये जो है ना हमारे सामने इनकी दाल माश आ गई, स्पेशल जो है दाल माश के साथ उन्होंने देसी घी का ऊपर तड़का लगा दिया, तड़के से बना दिए, ऊपर थोड़ा सा डाल देते हैं।
और इसे स्पेशल चीज़ जो है ना ये इनका तंदूरी पराठा है। तंदूरी पराठे के ऊपर इन्होंने देसी घी लगाया सारा। तंदूरी आम पराठा है, ये आम जैसा तंदूरी पराठा निकलता है, उसके ऊपर सारा इन्होंने देसी घी को चौपड़ दिया। ये एक अल्टीमेट फ्लेवर है यहाँ का, जो आपको अगर आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए। ये देसी घी की दाल, इसमें जो खुशबू आ रही देसी घी की वही बड़ी कमाल है। मम्मा बहुत कमाल है इसका देसी का। ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह। यार बहुत कमाल यार, इसमें जो सारे जो पैसे ना वो देसी घी के भाई, मुझे लग रहा है ना इसमें इस प्लेट में जो है ना देसी घी कुछ ज़्यादा ही डाल दिया। वैसे नॉर्मली इतना डालते नहीं है ये, लेकिन वो चूँकि देसी घी है तो मसला नहीं है। साथ में ये तंदूरी पराठा यार, ये बड़ी फट चीज़ है यार। ये देखो, ये देखो, ये सारा देसी घी के अंदर उन्होंने चोपड़ा हुआ है। ये है प्योर फूड, प्योर खालिस खाना ही है। अगर यहाँ से गुजरना होता है, यहाँ पर रुक के दाल माँस ट्राई करना तकरीबन ज़रूरी है, बल्कि बहुत ज़रूरी है। बहुत आना यार, अगर इसमें देसी घी ना भी डाल देना तो फिर भी ये जो फ्राई हुई है ना मिर्चों की वजह से, धनिया की वजह से, जो उसमें उन्होंने अपना सीक्रेट मसाला एक्चुअली डाला वो है गरम, वो काली मिर्चें हैं, तो उस वजह से इसका अपना फ्लेवर बहुत कमाल का। अगर देसी घी ना भी हो, अगर आप देसी घी नहीं भी डुलाना चाहें ना भी डुलाएँ, फिर भी इसका फ्लेवर बहुत कमाल का यार। अब इसके ऑप्टिमम बाइट ट्राई करते हैं, क्योंकि इसके साथ इन्होंने अचार दिया, अचार इन्होंने साथ दिया, इसलिए जो है हम इसको एक दफ़ा ट्राई करते हैं सारी चीज़ें मिक्स करके। ये मैं बता देगा तंदूरी पराठा, अचार आ गया, ये साथ में जो है ये यहाँ से एक बाइट लेते हैं। बहुत कमाल है, इसमें अचार ट्राई करना बनता है। सारे का सारा फ्लेवर जो है उसी टाइम पर रन टाइम में बनना होता है। इसमें कुछ भी पहले से सीक्रेट कुछ नहीं है, सारा जो सीक्रेट है वो वही है जो वो आपके सामने, जो हमारे सामने ये फ्राई करते हैं और सारा कुछ करते हैं जी। अभी यहाँ से हमने दाल चावल ट्राई कर लिया, अभी हम जा रहे हैं सलीम भाई के पास उनके पकौड़े खाने के लिए, और उसके बाद हम जाएँगे कलंदराबाद वाली साइड पर। 200 हमारा टोटल बिल बना है, 150 रुपये की दाल है फ्राई दाल, और 50 रुपये की जो है वो पराठा है, जो तंदूरी पराठा है देसी घी लगा के। तो 200 रुपये में यार आप रज के खाना खा सकते हैं। अगर ज़्यादा खर्चा करना है तो 250 रुपये का हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अभी हम आ गए हैं सलीम भाई के तुर्की पकोड़े। ये जो एरिया है यहाँ पे, ये इंटरचेंज का एरिया है। अगर आप हवेलिया वाली साइड से आएंगे तो आप इंटरचेंज जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आपके राइट साइड पे आएगा ये। मैं पूछ के लोकेशन दिखाया, तो इनकी जो मेन ब्रांच है एक्चुअली सराय साले में होती है, सलीम भाई वहाँ पे होते हैं, लेकिन हम चूँकि यहाँ पे आए हैं तो इसलिए यहाँ से इसको कवर कर रहे हैं। ये जी रोड आ रहा है पीछे हवेलिया इंटरचेंज से, जब आप इधर से इंटरचेंज उतरेंगे आप एपटाबाद की, तो ये आपकी बोर्ड आता है एक्सप्रेस वे वाला, बोर्ड के बिल्कुल साथ नीचे लेफ्ट साइड पर। ये जो है मतलब अगर आप यहाँ से एपटाबाद से हवेलिया की तरफ जाएँगे तो आपकी लेफ्ट साइड पर आएगा ये पॉइंट है जी, ये सलीम भाई तुर्की पकौड़े वाले के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी, ठीक ठाक है सर? आप सलीम भाई के भाई हैं जी, जी। आपका नाम क्या जी? साद अहमद निसार अहमद। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये समोसे बन रहे हैं जी? जी ये समोसे तो फेमस आपके पकोड़े ही हैं ना जी? जी मेन मेन चीज़ तो पकोड़े ही हैं, सही हो गया। इसको ये तुर्की पकोड़े क्यों कहते हैं? तुर्की में? अच्छा, तो तुर्की में आप ये कह रहे हैं कि तुर्की में पकौड़ों के ऊपर टमाटर सलाद वगैरह वो डिश है, ये नहीं, वो डिश कोई और है। अच्छा, वो कोई और डिश है? ये चीज़ें किया जाए वो कोई तुर्की में कोई और डिश है जिसके ऊपर टमाटर और सलाद डालते हैं, लेकिन आप पकौड़ों के ऊपर टमाटर और सलाद डालते हैं इसलिए आपने इसको नाम तुर्की पकौड़े दे दिए। सही हो गया माशाल्लाह। अच्छा, ये टमाटर मिर्चें डालते हैं और ये बंद गोभी डालते हैं? अच्छा, साथ में अचार भी डालते हैं वो चटनी भी? ठीक हो गया, वो सारा कवर कर, ये साथ स्पेशल अचार है ये डाल पकौड़ों के ऊपर। और ये आलू है? ये राउंड में। अच्छा, और ये फिंगर, ये फिंगर पोटैटो में, ये वेजिटेबल्स में, ये तीन तरह के पकौड़े हैं, प्याज बैंगन सब्ज़ी मिर्ची इधर एक। अच्छा अच्छा, सही हो गया, ठीक है। 400 रुपये किलो है, और एक प्लेट कितने की बनती है? हम पाव की बनाते हैं, 100 की, 150 की, 200 पाव की प्लेट, इस तरह का जिस तरह का कह दें। सही ठीक हो गया। हम सुबह 9 बजे रात 9 सुबह 9 से रात 9 तक टाइम आपको? सही हो गया। ये जी हमारा बना रहे हैं जी, ये जी सब्ज़ी वाले भी आ गए इसमें, फिंगर वाले भी आ गए, राउंड वाले भी आ गए, बस ये एक पाव ही करना है, बस ज़्यादा नहीं करना। इस पर अभी आ जाएगी सलाद आ जाएगी, ठीक है। ये टमाटर मिर्च है, ये मसाला लगाया हुआ आपने इसको पहले से? ठीक हो गया, अचार भी आ जाएगा इसमें। ओ खैर, ये मसाला भी आ जाएगा, ओ माशाल्लाह। बस जी तैयार हो गए? ये कोई आम चीज़ नहीं है भाई,
इस तरह के पकौड़े आपको पूरे पाकिस्तान में शायद ही कहीं आपको ये पकौड़े मिलेंगे इस तरह के। इसमें जो ये जो इन्होंने टमाटर और ये मिर्ची डाली ना, मैं खा इसके ऊपर इन्होंने शायद कोई लीमू या सिरका डाल के ना इसको पहले से उन्होंने थोड़ा मसाला लगा के इसको तैयार किया वाला, इसकी वजह से खटास इसमें अच्छी आएगी। लेकिन ये जो डिश है ना, इसको तुर्की पकौड़े बता रहे हैं इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ की कोई डिश है तुर्की में, उसके ऊपर ये इस तरह से सलाद वगैरह डालते हैं, उन्होंने पकौड़ों के ऊपर उनके डाल दिया, इसलिए जो है ये थोड़ा सा यहाँ से इसको हल्का सा ना खट्टा खट्टा लगा लेते हैं साथ में। बहुत कमाल माशा चटपटी चीज़ है इसमें, बहुत सिंपल सा है लेकिन बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा चटपटा नहीं है पकौड़ा इट सेल्फ। जो मसाले और अचार इन्होंने ऊपर जो और जो सैलड डाला है उससे फ्लेवर ज़ाहिर इन्हांस होता है, लेकिन इट सेल्फ पकौड़ा जो है ना बहुत माइल्ड फ्लेवर वाला, बहुत बिल्कुल हल्का सा टेस्ट है। ज़्यादा फ्लेवर इसके अंदर बेसन का है और जीरे का, ये चीज़ें इसके अंदर ऐड हुई हैं। ये साथ स्पेशल रायता है इनका, इसको ट्राई कर लेते हैं साथ में। खट्टा खट्टा रायता दही वाला, खट्टे दही वाला रहता है, इसमें इन्होंने पुदीना अनारदाना वगैरह डाला हुआ जिसकी वजह से हल्की सी खटास है इसके अंदर। बड़ा कमाल चीज़ें आ रही है। एक चीज़ जो है ना इन पकौड़ों के बारे में वो ये है कि आप ये ज़्यादा भी खा लेंगे ना तो आपको हैवी मतलब फील नहीं होता है, बहुत लाइट पकौड़े हैं ये पकौड़े इस तरह के जो है ना बहुत कम मिलते हैं। आप कहीं से भी पकौड़े खा लें क्योंकि डीप फ्राइड होता है ऑयल होता है तो वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है स्टमक के ऊपर, लेकिन आप ड्यूरिंग ट्रैवलिंग अगर आप ये खाना चाहें तो आप ये खा सकते हैं, आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे ये। अच्छा जी, अभी हम आ गए हैं कलंदराबाद के एरिए में। ये थोड़ा सा एफ्टाबाद से जब मानसरा की तरफ जाएंगे तो आगे एरिया आता है कलंदराबाद का। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये कि यहाँ पे अगर आपने पहुँचना है तो ये बैक पे आपको मस्जिद नज़र आ रही है। कलंदराबाद में ये जो बड़ी जामा मस्जिद है इसके बिल्कुल सामने सड़क ऊपर आ रही है, रोड ऊपर को आ रहा है। इस जैसे आप ऊपर आएंगे आपके लेफ्ट साइड पे पहली शॉप जो है ये है दिलावर, सेठ दिलावर कबाब हाउस, सेठ दिलावर कबाबिया, ये जो है ये शॉप है इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका, नाम क्या है? अब्दुल रज़ाक भाई। जो ये कबाब कबाब चल रहे हैं यहाँ पे फुल टाइम। ये कब से है दुकान यहाँ पे जी? ये दुकान कब से है? बहुत पुरानी की घर लगी है। कितनी पुरानी? 50-60 साल पहले लगी है। अच्छा ठीक हो गया। आप कब से हैं यहाँ पे? आपको कितनी देर हो गई है? हमारे 22 साल हो गए। हमारे आपको 22 साल हो गए। ये जो ये सारा जो है ना ये आपको नज़र आ रहा है सारे का सारा जो कीमा है ये जी पूरी भैंस जो है ना ये इन्होंने ये रखी है ये पीछे सारे का सारा गोश्त है सारे इन्होंने भैंस को जो है उसका कीमा बना के रखा हुआ है और यहीं से जो है इसकी चपली हुआ बना रहे हैं। सारे मसाले ऐड किए हैं यहाँ पे, इसको मिक्स कर रहे हैं। ये कितना गोश्त है? 4-5 मन। ये जो है ना जी यहाँ पे इसको ये मिक्स करते हैं, इधर से कबाब बना रहे हैं, इधर से उठाट आ गए, इधर जो है कढ़ाई है, कढ़ाई में ब्रेक जा रहा है। अच्छा ये अब्दुल रज़ाक भाई रोज़ाना करते हैं अपनी भैंस? रोज़ाना ताज़ा गोश्त होगा? नहीं ताज़ा है ना? ताज़ा। ये तैयार हो गया, ये ख़त्म होगा फिर नया निकालेंगे उसमें मसाले डाल के फिर बनाएंगे। ये रज़ाक भाई सुबह कितने बजे शुरू करते हैं आप? ये सुबह 11 बजे। 11 बजे और कब तक चलता है? कब तक चलता है ये? कितने बजे तक? तो एक कबाब है कितने का? एक कबाब कितने का है? 65 रुपये का। सही माशाल्लाह। यहाँ पर जो है ना सारी सिटिंग है इनकी पीछे और ये पीछे घर है ये रूम, ये जो पीछे वाला रूम है यहाँ फैमिली सिटिंग है, ये सिटिंग एरिया। ये चपली कबाब खाने के बाद कावा क्यों पीते हैं? सेहत के लिए अच्छा होता है जी। ये माशा ये चपली कबाब यार ये कबाब इतना का कमाल है, ये देखो इसको मैं हाथ में उठा रहा हूँ ये टूट रहा है, ये देखो इतना कमाल नरम था कबाब है। ये सारी रोटी है इन्होंने दी यहाँ पे, कुछ साथ रोटी मिलेगी ये वाली, ये रोटी है इसके साथ इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे ना काफ़ी सारे कबाब बने, एक नहीं है यहाँ पे बहुत सारे कबाब बने और सबसे पुराना जो है ना वो यही है। और ये इसकी मतलब यहाँ पे रश देखिए आपको अंदाजा आ रहा है कि किस तरह का कबाब है, और ये जिस तरह का मैंने इसको पकड़ा है इसका जो टेक्सचर है ना वो इतना कमाल किस्म का कबाब है ना टेक्सचर इसका कि मतलब उसको बस ट्राई करते हैं। और ये जो है ना एक और चीज़ इसके साथ कोई चूँकि ऑलरेडी कबाब जूसी है सॉफ्ट है इसके साथ कोई भी जो है वो लगाने की जरूरत नहीं है, चटनी रायता कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है इसका। मज़े की बात है कि बाहर वाली जो लेयर है इसकी बहुत ज़्यादा क्रंची है यार, ये बिल्कुल ऐसे जैसे पापड़ होता है, ये देखो जैसे चूरा सा बच जाता है ना, ये वो चीज़ है बाहर से। पहले इसको सिंपल ट्राई करते हैं, उसके बाद जाना थोड़ी सी साथ मिर्च में, साथ थोड़ी सी मिर्च
और ये साथ जो इन्होंने नली दी है ना ये ट्राई करेंगे उसमें लाही वाला कर यार बहुत ज़्यादा कबाब है ये देखो मज़े की बाजी के इसको खाली खाएं भाई इसमें जो ना मसाले तेज हैं हर चपली कबाब की ना अपनी एक खूबसूरती होती है इस चपली कबाब की खूबसूरती ये है कि ये बहुत क्रिस्पी है अंदर से हल्का सा नरम है बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और दूसरी बात तीसरी बात यह है कि ये चटपटा कबाब है ये वो माइल्ड फ्लेवर वाला कबाब नहीं है या वो खा के चटपटा अगर आपको सही अगर आपको मसाले वाली चीज़ें पसंद है ये उस तरह का कबाब है तो खाली खाएंगे मैं रोटी के साथ ही खा रहा हूँ इसको उसके बाद जो है ना इसकी जो नली आई है ये आलू की नली साथ में ये यार बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बहुत कमाल कबाब अगर मैं पर्सनली से खाऊँ रोटी के साथ ही खाऊँगा मैं खाली कबाब ही खा से खाऊँगा नाउ लेट्स टेक एन अफ्टरनून बाइट कबाब आ जाएगा सुबह देखेंगे थोड़ी सी मिर्च ये थोड़ी सी सुबह रखेंगे मिर्च अच्छी आगे और ये जो नली का पीस है ये आगे दिस इज़ द ऑप्टिमम बाइट ऑफ सेठ दिलावर चपली कबाब सिकंदराबाद कमाल यार मैं ना काफ़ी देर से एक चीज़ देख रहा था ये साथ में ना मिर्च दे रहे हैं हर कबाब के साथ भाई आप कबाब लेंगे तो आपको साथ मिर्चें देते हैं ये वाली मिर्चें ये थोड़ी सी तीखी है थोड़ी स्पाइसी है तेज़ मिर्च है ये लेकिन वो जो कबाब के अंदर अगर हल्की सी कमी भी कमी बेची रह जाती है ना कबाब के अंदर मिर्च की तो आप ये हरी मिर्च साथ खा के उसकी कमी बेची पूरी कर सकते हैं उसके अलावा इसका एरोमा इतना कमाल का ना मिर्च का जो फ्लेवर है ना साथ में कबाब के साथ नली और जो हल्का सा मिर्च का आफ्टर टेस्ट है वो बहुत कमाल है यार बहुत ज़्यादा चीज़ है यार ये के पी के में आप किसी भी शहर से गुजरते हैं फिर हरिपुर से गुजरते हैं एबटाबाद में आते हैं मानसहरा में आते हैं सवात जाते हैं पेशावर जाते हैं मल्दान जाते हैं चपली कबाब इनकी इनका आर्ट है भाई ऐसे चपली कबाब जो ना वो पंजाब में इस में नहीं मिल सकते आपको जो के पी के बनना है यार यहाँ पर अगर आप चपली कबाब खाते हैं साथ में क्योंकि चपली कबाब और जितना भी खुराक है यहाँ की सारी थोड़ी हैवी होती है साथ में एक कावा ज़रूरी होता है कावा पीने से सब बैलेंस हो जाता है ओह वेरी नाइस यार मैंने फिक्का मंगवाया बगैर चीनी के लेकिन फिर भी बहुत मज़े का है फ्लेवर इसका बहुत कमाल का काफ़ी अपना फ्लेवर कोई जी वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं पीछे कबाब का सीन चल रहा है सीन तो चलता रहेगा हमारी वीडियो ख़त्म हो गई क्योंकि हमने खाना छाना खा लिया तो सबसे जो मज़े की चीज़ थी वो दाल थी और ये जो कबाब है बहुत अच्छी चीज़ है यार अगर आप यहाँ से गुजरते हैं तो कबाब ट्राई कर सकते हैं वर्थ ट्राइंग चीज़ है ये थोड़े से स्पाइसी है हाँ एक चीज़ है कि इसको आपने फ़ौरन फ़ौरन खाना है अगर आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो इसमें जो चर्बी होती है वो जो घी होता है वो जमना शुरू हो जाता है उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और एक और चीज़ अगर आप कावा पसंद करते हैं या नहीं भी करते तो कावा ज़रूर पीना आपने इसके बाद क्योंकि कावा है ना वो इसमें जितनी भी जो चिकनाई होती है ना वो सबको साफ़ कर देता है शरियानों में वो जमता नहीं है जो सांस की नाली वगैरह में और वो मेदे में भी तंग नहीं करता तो कावा लाजमी पीना दवाई समझ के चाय पी लें एबटाबाद में यहाँ पे बहुत सारा फूड है लेकिन कुछ फूड ऐसा है जो यहाँ का नेटिव नहीं है यहाँ पे बाद में आके लोगों ने उसको यहाँ पे स्टार्ट किया और वो यहाँ का काफ़ी पसंदीदा फूड बन गया उनमें से एक पॉइंट है बलूची सजी मेरी बैग पर आपको नज़र आ रहा है ये पॉइंट है जी बलूची सजी वाला सप्लाई का एरिया है हम सप्लाई के एरिया में थोड़ा फूड डिस्कवर करेंगे ये सजी थोड़ी डिफरेंट होती है शायद चावलों के साथ ही होती तो प्लेन चिकन की सब्जी होती है वो ट्राई करेंगे उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे स्पिनगर शिनवारी है यहाँ पे वहाँ से उनके पास मटका टिक्का होता है वो ट्राई करेंगे और साथ में जहाँ उनकी सुलेमानी कढ़ाई होती है जो चर्बी और दुम्बे के गोश्त के साथ बनाई जाती है वो ट्राई करेंगे इंशाल्लाह अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बलोची सब्जी से लोकेशन मैं आपको समझा देता हूँ अच्छा यार ये जो है ना मेन जीटी रोड है ये जो है रोड आ रही है पीछे फवारा चौक वाली साइड से एबटाबाद जहाँ स्टार्ट होता है और ये आगे जा रहा है मंडियाँ की तरफ और ये यू मेडिकल कॉम्प्लेक्स आगे है रोड सीधा मानसहरा की तरफ जा रहा है इस पर जब आप आगे आएंगे तो आपके लेफ्ट ये सप्लाई का एरिया से स्टार्ट होगा सप्लाई के एरिया में ये बड़ा फेमस पॉइंट है बलोची सब्जी हाउस बाटा की शॉप के बिल्कुल साथ वाला है इनके पास चलते हैं अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है जी ठीक ठाक है आपका नाम क्या है जी मोहिबुल्ला आप हैं यहाँ पे हो गए जी जी अच्छा सही कब से चला रहे हैं आप ये 92 से अच्छा मैंने ये सुना कि यहाँ के एबटाबाद वालों का नहीं है ये लोग आप बाहर से आके कैसे आए थे ना बेटा ने सीखा था मुल्तान यानी ये ओरिजिनल बलोची सब्जी है ये ओरिजिनल सब्जी है ये लाहौरी सब्जी नहीं है असल में सब्जी दो किस्म की हैं अच्छा एक लाहौरी सब्जी है उसमें उसके अंदर चावल होते हैं हाँ जी और ये जो है ये क्वेटा सब्जी है इसके अंदर चावल नहीं होते यहाँ पे हम चावल जो है दमपोख गुम्बा जो है पूरा साबुत हाँ जी उसी में डाल के देते हैं तो आपका ये मतलब कितने का है एक सब्जी का पीस कितने का है एक सब्जी जो है हमारे उसकी वजन जो है 2 kg है और उसकी प्राइस जो है 2 kg
जी जी दो किलो का सजी का पीस, दो किलो जी हाँ, और रेट जो है हमारा 700 रुपये की। ये जो है ये इनके पास ये सजियाँ तैयार हो रही हैं, ये पहले इधर लगाते हैं सब्जी को, कितनी देर यहाँ पे रहती है सब्जी, कितनी देर में तैयार होती है यहाँ से? 2.5 घंटे यहीं रहती है। अच्छा माशाल्लाह, तभी सही है, मतलब ये डिफरेंट स्टाइल की ओरिजिनल सब्जी स्टाइल है ना, सही हो गया जी। शुरू कितने बजे करते हैं काम अपना? दोपहर 12 बजे। और रात कब तक बैठे होते हैं? रात को 12 बजे तक, सही होगा। अच्छा जी ये जो है, अच्छा सीख से उतार लिया आपने, यार ये तो फुल गल गई है माशाल्लाह। ये लीमू आएगा? लीमू आएगा। ओ माशाल्लाह, ये स्पेशल मसाला है कोई? ये मसाला है, सही हो गया। जो सब्जी होती है ना, इसके बारे में मैंने सुना था कि ओरिजिनल सब्जी के अंदर चावल नहीं होते। जिंदगी में पहली दफ़ा मैं ट्राई करने लगा हूँ, अभी तक मैं कोयटा नहीं गया, कोयटा जाऊँगा इंशाल्लाह, बलोचिस्तान वाली साइड वो भी एक्सप्लोर करनी है, वो भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। फिलहाल ये है कि हम यहाँ पे एबटाबाद के अंदर ही कोयटा की जो सब्जी है, बलोची सब्जी है, उसको ट्राई करेंगे। ये जो है यहाँ पे इनकी सब्जियाँ तैयार हो रही हैं, और यहाँ पे जो है बारबेक्यू भी चल रहा है इनके पास। बारबेक्यू में क्या क्या होता है आपके पास? चिकन बोटी है, मलाई बोटी है। चिकन बोटी, मलाई बोटी। इस तरफ इनकी बिरयानी भी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये बिरयानी है? माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी खुशबू तो अच्छी आ रही है भाई। जी ये कितने की प्लेट है? 250 की फुल प्लेट है, विदाउट चिकन भी होती है। अच्छा, मैं कबाब देते हैं आप? नहीं, वो सादे चावल, सादे चावल होते हैं। 200 रुपये के, वो महंगा नहीं है? महंगा है ना, चावल बहुत महंगे हैं, चावल है। एक बात, यहाँ पे चावल नहीं है इसके साथ, क्योंकि चावल होते ही नहीं है ओरिजिनल बलोची सब्जी के अंदर। दूसरी बात ये कि यहाँ पे हाफ का कोई चक्कर नहीं, आपने अगर लेनी है तो फुल पीस ही मिलेगा। एक तो इसकी स्किन, ये देखो ये स्किन है, ये फुल क्रिस्पी, ये स्किन क्रिस्पी हो चुकी है, ये देखो ये। वेरी गुड, ये सब्जी है और ये मसाला है ये, और इस पूरे पीस को ऐसे ही खाएंगे, क्योंकि इसको तोड़ के खाना नहीं है। एक बात तो ये कि गोश्त को नोच के खाना सुनना था, हर चीज़ को तोड़ के खाना सुनना था, गोश्त को नोच के खाना सुनना था, तो यहाँ पे मौका मिल रहा और इस तरह खाने में ज़रा इंटरेस्टिंग लग रही है, तो मैं इसको इसी तरह ट्राई करूँगा। चलो ये देखो मसाला फुल भरा हुआ है इसके अंदर उन्होंने, ये उसमें ये फुल ड्राई सब्जी है, टोटली ड्राई चिकन है ये, बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें जूसेस नहीं है इसमें। ये लेग साइड है इसको, ये जो लेग साइड है ये थाई वाली साइड है, इसको ट्रैक करता है, इट शुड बी लिटल जूसी। ये स्किन भी है, देखो स्किन, ये इसमें स्किन भी आ रही है और थोड़ा सा जूसी भी होगा, कि ये थाई की साइड है, इसको सिंपल ट्राई करते हैं। हाँ गोट स्किन है ना ये जहाँ जली हुई है ना, ये इसका चार मुँह में आता है, इसका जो कोयले वाला फ्लेवर है ना वो मुँह में आता है, वो यार बहुत कमाल का पापड़ बन गया लेकिन। हाँ ये बहुत कमाल चीज़ है यार, मेरा वैसे लगा मैं सारी सब्जी जला दूँ पकड़ के, और फिर जला हुआ ऐसा खाऊँगा, बहुत मज़ा आता है यार। वेरी नाइस यार, ये जो सब्जी है ना भाई, इट्स मोर लाइक अ चरगा टू मी, मतलब ये बहुत ज़्यादा जो है ना इसका मतलब है, ये ठीक है सब्जी ही है, इसकी जो कुकिंग का स्टाइल है वो सारा सब्जी वाला ही है, और ये बनाई भी उसी तरह से गई है, कोयलों के ऊपर बनाई गई है, और ये जो है रोटिसरी पे नहीं बनाई गई, थाई से खाने वाली है, चीज से सीने वाला हिस्सा है वो थोड़ा ड्राई है। चिकन की अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो यहाँ से गुजरते हुए आप इसको ट्राई कर सकते हैं। वेरी गुड, इट्स अ गुड थिंग, आई लाइक इट। जी यहाँ से हमने ट्राई कर लिया सब्जी, अब हम आगे जा रहे हैं स्पिन का सिनवारी में, वहाँ से सिनवारी से हम उनकी सुलेमानी कढ़ाई ट्राई करेंगे, और मटका तिक्का होता है वो ट्राई करेंगे। चला इस सब्जी के बारे में मेरी राय है कि अगर थोड़ा सा इसमें मजीद कट लगा देंगे चेस्ट वाली साइड पे, और थोड़ा सा इसको कम ग्रिल करें वहाँ से, तो इट कुड बी बेटर। बाकी ये कि फुल ड्राई हो चुकी हुई थी, और इसके जो थाई वाली साइड है वो खाने वाली की ज़्यादा। आगे चलते हैं, अच्छा जी अभी हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं उसी रोड के ऊपर, अगर आप मानसरा की तरफ जाएंगे थोड़ा सा आगे आएंगे सप्लाई के एरिया में, तो आपके राइट साइड पे आएगा ये शाहपोश, ये शाहपोश लिखा हुआ, लाइट बहुत ज़्यादा चमक रही है,
शाहपोश आएगा और उसके बिल्कुल सामने आपके लेफ्ट साइड पर आएगा शलगा पाम। शलगा पाम के अंदर यहाँ पे ये जो है ये स्पिनगर सिनवारी है, इसके एंट्रेंस है, ये बाहर मेन पे नहीं है, थोड़ा सा पीछे हट के बना हुआ है, सारा पीछे सिटिंग एरिया है। और ये यहाँ पे जो है इनका ये बारबेक्यू चल रहा है, इसके पीछे कढ़ाइयाँ चल रही हैं, और यहाँ पे जो है ये ताज़ा गोश्त है, जहाँ जो भी बनवाना है वो यहाँ से चल के इसे बनवाते हैं और फिर इनसे कढ़ाई ट्राई करते हैं। क्या नाम है जी आपका? निशाद अहमद। निशाद अहमद, नुशाद अहमद, अब सही है, ठीक हो गया। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक एबटाबाद। एबटाबाद से है? तारिक साहब है ये, मुझे कैप्टन तसीर साहब ने बताया था यहाँ का, और इन्होंने इनका मुझे बताया था कि इनसे आपने जाकर मिलना, जो भी गोश्त खाना हो इनको आगे आपने बताना है, और इनसे आपने अपनी मर्जी का गोश्त आगे उतरवा लेना है, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। अगर आपके सारे बकरों की राने ख़त्म हो जाएँ, लोग आपको कि हमें रान का गोश्त चाहिए, तो क्या करेंगे? अगर टाइम हो तो कहीं से अरेंज करके दे दूँगा। सही हो गया। ये जो है ना बकरे लटके हुए, ये कितनी देर पहले ज़िबा किए हैं आपने बकरे? दिन को करते हैं। कितने बजे? 10 बजे। सुबह 10 बजे। इनका ये कढ़ाई का सेटअप चल रहा है सारा। हाँ जी, ये शिनवारी है जी? ये कढ़ाई है, टमाटर वाली। टमाटर वाली कढ़ाई है जी। ये शिनवारी कढ़ाई बन रही है। ये आलू क्या कर रहा है इसके अंदर? आलू डलता है। आलू डलवाया ये कस्टमर ने? डलवाया लहसुन भी डलवाया साबुत जो बोलेगा उसके लिए इससे भी डाल देते हैं, लहसुन भी डाल देते हैं, इससे टेस्ट बेहतर होता है। ये बड़ा मज़ेदार काम है यार। तो ये मैंने पहले कहीं नहीं देखा। ये आ गई ये, और ये चक्की की चर्बी आ गई सारी। इसमें ऑयल तो नहीं डालते ना? हाँ बस सही है, बस सही है। और ये टमाटर वाली है, ठीक हो गया। और ये सादी सुलेमानी कढ़ाई है। अच्छा, ये कितने की किलो कढ़ाई है? 2100 रुपये किलो है वो किलो, ठीक है। हाफ के जी मिल जाती है? ये सीने की बोटियाँ हैं, ये सफ़ेद की वहाँ और दुम्बे का सीना आपको पता है सफ़ेद? अच्छा, ये चांपे पहले ऐसी थी? अच्छा सही है, यानी कि ये चांपे जो है अभी पूरी तरह रेडी नहीं हुई, ये रेडी होकर इस तरह की हो जाएंगी जी। आखिर में दम देने के लिए ये हांडी या मटका? यहाँ दम देते हैं आप। हाफ के जी जो है आप हमारे लिए वो कर दें सुलेमानी, जो आलू और अदरक लहसुन वाली है स्पेशल, वो मैंने पहली दफ़ा देखी है। और ये जो ना हाफ के जी जो है ना ये चांपे आप कर दें, ये इसके अंदर जैसा तैयार करेंगे, ठीक है? ये कर दें आप हमारे लिए। ये हमारी हाफ के जी बन रही है। अच्छा, ये गोश्त पकने में कितना टाइम लगता है? 45 मिनट लग जाते हैं। दो आलू काफ़ी हैं जी। हमें आलू और लहसुन वाली बनवा रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने मुझे बताया आपका नाम क्या? खलील भाई। खलील भाई ने बताया कि यहाँ पे स्पेशल कुछ कस्टमर्स हैं, वो आके लहसुन और आलू वाली बनवाते हैं। तो मैंने जो है ये मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। साबुत लहसुन है इसके अंदर, और साबुत दो आलू आ गए, अदरक आ गया, ये रह गया था ना, लजी नमक भी आ गया। अब ये कितनी देर दम में रहेगी? ऐसे 20 मिनट दम में रहेगी ये, सही हो गया। उधर जो है ना ये टिक्के तैयार हो रहे हैं हमारे चांप के। इसमें सिर्फ नमक डाला आपने? और सिर्फ नमक ही होता है, बस और कुछ नहीं है? सही यार। ये जो है ना सारा इनका यहाँ पे गोश्त वगैरह बन रहा, सारा इनका कुकिंग एरिया इधर है। और इनका सेटिंग जो है ना काफ़ी सारी, मतलब ये लॉन टाइप बना हुआ है, और ये जो है ये बड़ी खूबसूरत सी लोकेशन है। यहाँ पे जो है डेरे के साइड, डेरे स्टाइल में भी बैठने का ऑप्शन है यहाँ पे, और ये चेयर्स भी लगी हुई हैं यहाँ पे। इसके अलावा अंदर भी जो है वो मेरा फैमिली हॉल भी है अंदर। मुझे ये कितना टाइम गुजर गया इसको? 20 मिनट गुजर गए। अब इसमें मिर्चें आएंगी, ठीक हो गया। ये जो है ना असल काम जो है ना वो ये है, ये साबुत मिर्च है, इन्होंने मोटी मोटी कूटी हुई है, बिल्कुल बारीक नहीं किया हुआ इसको, जिसकी वजह से इसमें अरोमा भी रहता है और इसका जो है फ्लेवर भी पूरा आता है। पीछे बन रही है, और यहाँ इसमें से जो खुशबू आ रही है ना इस वक्त, वो काली मिर्च की आ रही है, और वो इतनी कमाल लग रही है, काली मिर्च की और चक्की की खुशबू आ रही है इसके अंदर से, कुछ दुम्बे का एक स्पेसिफिक अरोमा होता है ना वो आ रहा है इसमें, और बहुत कमाल लग रहा है यार। अब ये आलू और लहसुन एक नई चीज़ है मेरे लिए, इसको पहली बार मैं ट्राई करूँगा, पहले कभी नहीं किया। अभी ये रेडी हो जाती है तो इंशाल्लाह इसको ट्राई करते हैं। इसका जो है इसमें ये स्पेशल टिक्का होता है इनका, चमटा तो नहीं गर्म, ये जो है ना ये मटके के अंदर होता है, ये देखो इन्होंने ना सिंपल ये जो है उसको ग्रिल करके ना चांपों को, और ये जो है इन्होंने ऐसे इसको इसका दम लगा दिया, ये देखो, ये देखो ये जो है चांपे हैं सिंपल दुम्बे की चांपे हैं, और इसको दम लगा दिया था ताकि इसका जो हीट है वो अपने अंदर ही रहे, उसका फ्लेवर जो थोड़ा
एब्जॉर्ब हो जाए। इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ये जो है चक्की की चर्बी है ये, और ये मतलब कि जिसमें आलू है और ये लहसुन है, लहसुन का भी ये हाल हो चुका है। ये देखो कमाल, छोटी सी एक बोटी इसकी ट्राई करते हैं। ये देखो फुल जो है ना यार, ये फुल जूसी इस टाइम मटन है, और ये दुम्बा है ये ग्रेवी के तौर पे, क्योंकि हमारे पे इसमें कोई ग्रेवी नहीं होती। ये ऑयल जो है ये हल्का सा इस पर लगा लेंगे, ऑयल सारा आ गया थोड़ा सा, और थोड़ी सी बोटी आ गई। इसको ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह ही वाला बरकत चला। यार वेरी नाइस। मैंने जो ना एक और जगह से भी ट्राई किया था, पिनगर शिनवारी ही था, और सुलेमानी कढ़ाई ही वहाँ से खाई थी, उसमें वो फ्लेवर नहीं था जो इसके अंदर है। यार ये बहुत कमाल चीज़ है। इसमें जो मेन मुझे लग रहा है ना, असल जो चीज़ जायका डालने वाली, असल जो जादू है इसके अंदर, जो साबुत काली मिर्च रखी हुई है ना, ये इसका सारा काम है। ये बोटी और ये इसको ऑयल में थोड़ा सा अच्छी तरह इसको डिप करेंगे। ये बहुत अलग है यार, बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है ये। इसमें जो हमने लहसुन डलवाया और जो आलू डलवाया ना, वो डालते हैं, साथ थोड़ी सी हरी मिर्च लेते हैं, और उसकी एक अपनी मुंबई ट्राई करते हैं। जी ये बूटी आ गई, ये थोड़ा सा लहसुन आ गया, ये थोड़ा सा आलू आ गया, साथ में जो इसको डिप करते हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। दिस इज़ द ऑप्टिमम बाइट ऑफ स्पिनगर शिनवारी अहमदाबाद। बिस्मिल्लाह यार, ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ बनी है। आलू थोड़ा थोड़ा मीठा है, उसकी वजह से हल्की सी मिठास आई है पूरी बाइट के अंदर। बाकी लहसुन कमाल लग रहा है, मिर्च का हल्का सा एरोमा है इसके अंदर, साथ में जो है वो काली मिर्च असल काम जो दिखा रही है ना यहाँ पे, सारा काम काली मिर्च दिखा रही है यहाँ पे। स्पेशल चाँप है इनकी, टिक्का है इसका चाँप का, ट्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह यार, ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है यार, बहुत ही आला चीज़ है यार ये। उफ दहाई कमाल, दहाई जूसी, और वो जो दम लगाने की वजह से जो फ्लेवर था ना इसका, वो अंदर ही कैद हो गया, इसके बाहर कहीं नहीं गया। बहुत आला यार, कमाल हो गया। दुम्बे में ना एक चीज़ होती है, ये दुम्बे की जो चाँप होती है ना, ये बिल्कुल मीठी नहीं होती, इसमें ये फैटी होती है। ये इसमें देखो, ये चर्बी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आप चर्बी खाने के शौकीन हैं तो आप दुम्बे की चाँप ये ग्रिल करवा लें इनसे। अगर आप चर्बी खाने के शौकीन नहीं हैं तो आप इनसे खाली कढ़ाई ट्राई करा लें। और एक और बात, आलू मैंने इसलिए डलवाया क्योंकि ये बता रहे थे कि कुछ कस्टमर जो हैं वो आलू खाते हैं, तो आलू मैंने भी डलवा लिया कि ट्राई कर लेता हूँ क्या जो होता है। लेकिन हुआ ये है कि आलू की वजह से ना इसमें थोड़ी सी मिठास आ गई सालन के अंदर, क्योंकि वो आलू मीठे हैं, तो आलू अगर आप वैसे भी खाते हैं तो हल्की सी मिठास इसमें आती है। अगर आपको ये मीठा और नमकीन और ये सारा फ्लेवर पसंद है, आप आलू डलवा लें। अगर आपको नहीं पसंद, आप बगैर आलू के जो प्लेन की जो ट्रेडिशनल कढ़ाई चलती है सुलेमानी की, वो आप ट्राई कर सकते हैं। जब भी आपने कढ़ाई खानी है, दुम्बे की खानी है, बीफ खाना है, चपली कबाब खाना है, कुछ भी ऐसा खाना है जो केपी के में ट्रेडिशनल है, उसके बाद यहाँ का ट्रेडिशनल आपने कावा नहीं भूलना, क्योंकि जितना भी आप खाते हैं वो सारा का सारा बैलेंस कर देता है कावा। कावा बहुत ज़रूरी है भाई। ये जी कावा आ गया, और इसमें ऊपर डालेंगे लीमू। ये यो सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाह। मैं एक जो सबसे जो कमाल चीज़ लगती है ना मुझे इस तरह के खानों के अंदर, वो ये होती है कि इन सब के अंदर जो ना मसाले, इसमें टोटल चार मसाले यूज़ हुए हैं, नमक, हरी मिर्च, काली मिर्च और अदरक। इसके अलावा कोई मसाला इसके अंदर यूज़ नहीं किया। मैंने स्पेशल बनवाया था, इसमें मैंने लहसुन और आलू डलवा लिया था, बाकी सारे का सारा जो फ्लेवर है ना वो गोश्त का अपना होता है। और यही कमाल है सारा, कि आप गोश्त के फ्लेवर को निकाल के, ये केपीके की खूबसूरती है, केपीके की ब्यूटी है ये, कि यहाँ पर गोश्त के फ्लेवर के साथ मतलब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, गोश्त की रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले डाल के गोश्त के फ्लेवर को डेड नहीं करते। ये इट्स वर्थ ट्राइंग थिंग, खासतौर पर जिनका टिक्का है ना, और टिक्का मज़ेदार तो है ही है, लेकिन जिन्होंने दम लगा के उसको कैद कर दिया था, उसका फ्लेवर उसके अंदर जज़ब हो गया सारा, वो बहुत कमाल चीज़ थी यार। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पे आते हैं 45 मिनट जो है इसका वेट टाइम है टिक्के का भी, टिक्का थोड़ा जल्दी तैयार हो जाता है, कढ़ाई का जो टाइम है वो 45 मिनट आपको लगेंगे। कुछ लोग ये करते हैं कि इसको प्रेशर में बनवाते हैं, प्रेशर में बनवाने से गोश्त गल तो जल्दी जाता है लेकिन उसका फ्लेवर नहीं आता, जो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। क्योंकि फ्लेवर अगर आप लेना चाह रहे हैं तो गोश्त को हल्की फ्लेम पे, जितने फ्लेम पे उसने तैयार होना है फ्लेम पे उसको तैयार करें, प्रेशर लगा के उसको आर्टिफिशियल तरीके से गलाने की कोशिश ना करें, उसका जायका ख़राब हो जाता है। तो 45 मिनट वेट कर ले, आपको इंशाल्लाह पैसे पूरे हो जाएंगे। जब अहमदाबाद का नाम आता है तो इलियासी मस्जिद का नाम उसमें लाजमी आता है, और इलियासी मस्जिद के पकौड़ों का नाम भी लाजमी आता है। तो इलियासी मस्जिद के पकौड़े हैं वहाँ पर, वो ट्राई करेंगे इंशाल्लाह।
उसके बाद जो है यहाँ पे चुगियाँ का एरिया है, वहाँ पे स्पेशल चपली के बाद मिलते हैं, वो ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट बर्गर है लिंक रोड के एरिया पे, नाम उसका बर्गर है लेकिन वहाँ उनकी दाल माश बड़ी फेमस है, वो ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा मेन बाजार के अंदर यहाँ पे स्पेशल कुलचे मिलते हैं, कश्मीरी कुलचे होते हैं, वो ट्राई करेंगे, बिस्किट टाइप होता है वो भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी स्टार्ट करते हैं, पहले इलियासी मस्जिद चलते हैं। ये जी इलियासी मस्जिद है, अगर आप गूगल पे भी लिखेंगे, सर्च करेंगे गूगल पे, आपको इलियासी मस्जिद मिल जाएगी। इलियासी मस्जिद है माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी है इसकी। यहाँ पे जो है तालाब भी बना हुआ है और ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है। इसके बिल्कुल साथ एक शॉप है, ये बिल्कुल साथ है, ये भी पुरानी शॉप है। और इसके अलावा ये जो एक दो और तीन, टोटल तीन और ये चौथी, चार ये शॉप्स हैं, चारों की चारों पुरानी है। और इसके अलावा जो उस साइड पे हैं, जो इसकी अपोजिट साइड पे वहाँ पे बनी है, वो बाद में बनी है। तो पुरानी शॉप्स हैं वो ये वाली हैं, इनमें से किसी एक के पास चले जाते हैं, मेरे ख्याल इसी के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है, क्या नाम है जी आपका? वसीम भाई। ये जी फ्रेंड्स पकौड़ा शॉप है। अच्छा, आपके पास कौन से ये इतने मशहूर क्यों हैं पकौड़े ये इलियासी मस्जिद के? लोग खाते हैं इसलिए मशहूर है। नहीं, वो स्पेशल आपकी कोई चटनी है ना, सुना चटनी को बड़े मज़े की होती है। ये चटनी है जो इसने सारों को पागल करके रखा हुआ, ये चटनी जहाँ भी होती है ना, वो जिस चीज़ में भी बड़े मशहूर होती है। हम पकौड़ों में मिर्चें डालते हैं आला किस्म की, यहाँ लोग आते हैं चेक कर जो मिर्चें लगती हैं वो, कहते वाकई यार बड़ा आजकल के लोग मिर्चीले हो गए, लोगों को मिर्चों वाली चीज़ें पसंद। सही हो गया। ये कौन से पकौड़े बना रहे हैं अभी आप? ये प्याज वाले पकौड़े। अच्छा, कौन कौन से पकौड़े होते हैं आपके पास? ये प्याज वाले पकौड़े और ये आलू वाले। अच्छा, ये आलू वाले, ये गोल चिप्स बोलते हैं इसको, आलू के गोल कटाई होती है ना, इसके ऊपर बेसन की लपेटी की जाती है। ये जो है ना फिंगर कटाई होती है, इस पे हल्का मसाला लगाते हैं, अगर ये तेज मसाला लगाएं तो ये सख्त हो जाते हैं। सही हो गया। इसको हल्का मसाला लगा के इसको वीआईपी बनाया जाता है। और ये अंडा, ये अंडा है, ये तो अभी अंडा है, इसको ये बाद में मुर्गी बन जाएगा? नहीं, मुर्गी के बाद अंडा बन जाएगा। अच्छा, अच्छा, ये पहले उबालते हैं, उबालने से एक दफा फ्राई उस वक्त होता है, एक दफा यहाँ बेसन लगा के फ्राई करते हैं। और ये समोसा भी रखा हुआ है? ये समोसा है, इसके अंदर सब्जी डाल दें। ठीक है, सब्जी होती है बेहतरीन, इसमें भी सब्जी रोल है, ये भी सब्जी के। इतना कमजोर क्यों है, इसमें विटामिन की कमी तो नहीं है? नहीं, विटामिन की कमी नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं आजकल, महंगाई इतनी है ना। अच्छा, ये छोटा कर दिया आप जी, सही होगी, ये बच्चों के लिए बनाए हुए हैं जी। हमारे असद भाई पकौड़े बना रहे हैं ये जी। मिक्स कर दें, दोनों मिक्स कर दें बस। ये जो ना यहाँ के स्पेशल पकौड़े हैं, स्पेशलिटी जो है ना वो सिर्फ यही है कि ये पुराने हैं। और एक खास चीज़ उन्होंने बताई है वो ये है कि ये जो चटनी है ना, ये आमचूर की चटनी है, असल जायका इसकी वजह से आता है। ये जो है इनके प्याज वाले पकौड़े ताज़े निकल के आए हैं। ये मैं पकौड़ों का बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन चूँकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है इसलिए मुझे इसको टेस्ट करना है कि ये इसमें है क्या असल में। तो ये इसको ट्राई करते हैं, इसको चटनी के साथ ही ट्राई करते हैं, क्योंकि चटनी के साथ ही खाने वाले हैं। ये चटनी है ना, ये बहुत ज़्यादा खट्टी है, क्योंकि खैर प्योर आमचूर पाउडर की चटनी है, ये बहुत ज़्यादा खटास है चटनी के अंदर और थोड़ी सी स्पाइसी भी है। ये ऊपर नज़र आ रहे थे हल्की हल्की मिर्ची भी नज़र आ रही है आपको, ये मिर्चें और ये जो पाउडर पाउडर से नज़र आ रहा है ना सारा, ये आमचूर पाउडर है और ये अच्छी खासी खट्टी चटनी है। मतलब यहाँ पर आके खाने का सिर्फ मज़ा आपको ये आएगा कि चटपटे पकौड़े चटनी के साथ खाने वाले हैं। इनके प्याज वाले पकौड़े से बेहतर जो है वो इनके चिप्स वाले पकौड़े होते हैं, मतलब जो ये फिंगर वाले पकौड़े हैं ये इनके ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसको भी ट्राई करते हैं। ये मज़े का जो प्याज वाले पकौड़े हैं उससे बेहतर ये आलू वाला पकौड़ा है जो चिप्स हैं इनके। मेन इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो यही हैं, सूखा धनिया, कुटी हुई मिर्च है और साथ में अजवाइन है, ये मेन इंग्रेडिएंट्स है। इसके साथ में नमक के डालते होंगे उसके अंदर, सारे का सारा फ्लेवर इसी का है, बेसन में भी जो इन्होंने डाला हुआ सारा यही है। बहुत ज़्यादा इसलिए स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन सारी गेम जो है ना वो चटनी है भाई ये। उसके अलावा अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो इट्स जस्ट लाइक अ फिका, सिंपल फिका सा पकौड़ा। यार ये ना शर्मा रही है बच्ची छोटी बीच से बैठी हुई, ये कागज़ उठाती हैं, कि थैले में क्या आता है, कचरा वगैरह उठाती हैं ये, मतलब जो और पीछे बैठी हुई थी तो मैं मतलब खा ही रहा था, मुझे देख रही थी काफ़ी देर से, तो मैंने उसको दे दिया। अब वो उसने दूसरी को बुला लिया और वो पूछी किस आदमी ने दिया और वो बेहतर देख रहे, तो बड़ा मतलब अच्छा लग रहा था।
वो मज़े से खा रही है बैठी है। तो इन्होंने पूरा टपर इकट्ठा कर लिया अपना, पूरी फैमिली शायद माशाल्लाह मिल के खाएगी है, अच्छा लग रहा है। अच्छा ये जो अभी ये है रईस खाना चौक है इसे बोलते हैं, यहाँ पे ये बड़ा फेमस है, दूध वाला पॉइंट है, पूरे एबटाबाद के सबसे अच्छा दूध जो है ना इनका ही होता है। और इसकी इस तरफ जो है नीचे सड़क जा रही है, और ये जो है मेन बाज़ार की तरफ जा रहा है एरिया, और ये जा रहा है टेंची चौक की तरफ। यहाँ पे ये मस्जिद है, मस्जिद के बिल्कुल अपोजिट सामने की ये जो शॉप है ना छोटी सी ये वाली, यहाँ पे कुलचे मिलते हैं, इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? ये बताइए क्या चीज़ थी, ये बाकी खानी है, आम बाकी खानी है, सही हो गया। और ये कुलचे हैं, इसे कुलचा क्यों बोलते हैं, इसमें क्या खास? कश्मीरी कुलचा है, इसमें बनाते किससे से आएंगे? ये घी में बनते हैं, मैदा और घी। दर्जन का हिसाब होता है, किस तरह दर्जन? ये वाला जो है ये 240 रुपए दर्जन है। अच्छा, इसमें छोटे वाला भी, इससे छोटा भी होता है, ये छोटा वाला है, ये 180 रुपए का। ये गरम गरम है, अभी फ्रेश निकले हैं। अच्छा, वो बना रहे हैं पीछे आप? हाँ जी, वो बना रहे हैं। अच्छा, ये छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं इसके, अपने पहले सारे पेड़े बना के रख लिए हैं। ये क्या लगा रहे हो ऊपर? ये अंडा। अंडा लगा रहे हैं, ये हाथ से लगाई जा रहे हैं आप? खैर, ये देखो यार माशाल्लाह। तो कुलचे दे दें इसे जो है ना, हमने ये कुलचे शुलचे जो भी हैं इनके पास चीज़ें हैं वो ले ली हैं थोड़ी सी। इसको हम अभी स्नैक्स टाइम है, इस टाइम असल में शाम का टाइम हो गया, तो चाय का मूड हो रहा है इस टाइम। तो मेरे दोस्त हैं उनके मामू की शॉप है अंदर बैठे हुए, इनके पास जाकर अंदर बैठ के तो यहाँ चाय मंगवाते हैं, और चाय के साथ जो है ना ये ट्राई करते हैं। अभी ज़्यादातर मैंने ये जैसे देखा कि ये मुजफ्फराबाद साइड पर भी मिलता है, ये मुजफ्फराबाद तो अभी हम नहीं गए, जब आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे जल्दी वहाँ पे। वो सिंपल बिस्किट की तरह आपने इसको नहीं खाना, इसको चाय में डबो के खाना भी। ये यार थोड़ा क्रंची सा है, ये तो ये गया अंदर, ठीक है इसको डबो के थोड़ी देर छोड़ेंगे, ये थोड़ा नरम हो गया इस टाइम, अब ये इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह, बहुत आला, बड़ी यूनिक सी चीज़ है ये। वैसे बाकी खानी का टेस्ट होता है ना जैसे मैदे में बनी, क्योंकि मैदा है सिंपल मैदा और घी में इसको गूंदा होता है इन्होंने, ये बाकी खानी टाइप इसका फ्लेवर है, लेकिन थोड़ा सा उससे हटके है, थोड़ा इसकी लेयर्स ज़्यादा होती हैं इसमें, थोड़ी काफ़ी बारीक बारीक लेयर होती है। बाकी खाने में ये होता है कि बाकी खाने में ना उसकी लेयर्स बहुत पतली होती हैं और उसमें गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, इसमें एयर कम होती है, बहुत ज़्यादा जो है ना कंप्रेस टाइप की कुलचा होता है, लेकिन है बड़ी मज़ेदार चीज़। अच्छा जी, अभी हम आ गए हैं जुगियां का ये एरिया है, ये रोड जो है इसको कहते हैं मरी रोड। एबटाबाद जब भी कबाब का नाम आता है तो कलंदराबाद के कबाब आते हैं, वो आगे है थोड़ा मानसहरा की तरफ, जब आप जाएंगे तो रास्ते में आएगा कलंदराबाद, वहाँ पे कबाब फेमस है। लेकिन ये जो मैं आपको कबाब दिखाने लगा हूँ ये एबटाबाद के सबसे पॉपुलर और सबसे डिलीशियस कबाब यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं, इसको बोलते हैं बाकी के कबाब। एक्चुअली जो शॉप का नाम है वो अब्दुल कबीर कबाब हाउस है, लोकेशन आपको उससे समझाया था, उनसे हम चप्पल कबाब ट्राई करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे स्टूडेंट बर्गर खाने के लिए, उनसे हम दाल माछ ट्राई करेंगे जाके। तो अभी कबाब की मैं आपको लोकेशन समझाता हूँ, फिर कबाब ट्राई करते हैं, चलो इनसे। ये जो रोड है ये मरी रोड है, सीधा आ रहा है जी टी रोड वाली साइड से, जो आप जी टी रोड से आएंगे मरी रोड की तरफ चिनार चौक आएगा आगे, आप उसको क्रॉस करके आगे आएंगे तो ये आपके सामने आएगा गल्फ शॉपिंग सेंटर, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर ये है अब्दुल कबीर का मशहूर चप्पल कबाब, दिस इज़ द पॉइंट, इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, ठीक है? आपको सर्दी लग रही है, आप हाथ सेक रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही यार। जी कबाब यहाँ पे बन रहे हैं माशाल्लाह से। आपका नाम? अब्दुल कबीर। आपका नाम? अब्दुल कबीर। आप हैं अब्दुल कबीर साहब, माशाल्लाह सही हो गया। ये आप कबाब हम चेक करा, ये मैंने सुना था कि आप जो है ना ये गोल कबाब भी बनाते हैं। चप्पल कबाब तो जो होता है ना वो थोड़ा सा जब दबा देते हैं प्रेस कर देते हैं वो चपली कबाब बन जाता है। आप भी, आपका काबुल से ताल्लुक़ है? माशाल्लाह, ये चीज़ ना, एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो गोश्त है ना गोश्त को गलाना और उसको साबुत रखना, मतलब साबुत भी हो, टूटे ना और पूरी तरह से गला हुआ हो, ये जो आर्ट है ना ये काबलियों के पास है। ये कौन सा गोश्त है? मजदा गोश्त, भैंस का गोश्त, सारे अगले हिस्से का गोश्त है सारा, इसमें टांग भी शामिल है? टांग
इसमें शामिल आगे वाले दस्ती भी होता है और सीने का गोश्त, सीने गर्दन कटना है, गर्दन भी होता है और चाम का माशाल्लाह, इसीलिए जायका है इसके अंदर। ये जना अंडा भी डालते हैं, नली डालते हैं, नली नसीब वाला को मिलता है, नसीब वाला को मिलता है जी। ये इसका जो है ये मसाला यार बाहर बार बार बनाते रहते हैं, ये स्पेशल प्याज इन्होंने काट के रखा हुआ, इसको आपने चॉप किया हुआ ना, चॉप मशीन से चॉप किया हुआ ना ये, हाँ ये सारा मशीन से चॉप किया हुआ है। इसके साथ टमाटर है, इसके अंदर लहसुन अदरक है, प्याज है, सब्ज मिर्च है सिर्फ, अच्छा इसमें धनिया होता है, जीरा अनारदाना, अच्छा ये अदरक, अच्छा जी ये हो गया, क्या सही हो गया, समझ आ गया? हाँ जी आ गया, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये मकई का आटा, मकई का आटा, हाँ जी साबत रखने के लिए इसको, हाँ जी ठीक हो गया। ये आपका स्पेशल मसाला आ गया इसको, और ये आ गई सब्ज मिर्च, ये जरा से अंडे आ गया, ये जरा से है, अच्छा सही है, हाँ जरा सही है, सही है। ये कुटी मिर्च भी आ गई इसको माशाल्लाह, ये अनारदाना, ये फालतू अनारदाना, अभी आप इसको मिक्स करेंगे, अभी इसको मिक्स करेंगे, टमाटर डाल के, ये जरा से है, जरा सही है, और कम क्या लगा? और यार ये जो कबाब बन रहे हैं ना माशाल्लाह, ये अंडा आ गया इसमें, ये जी मिर्चे और टमाटर है, वाह ये भाई खड़ा है जी, इसने कुर्बानी दी है, दो कुड़ियों को दी है दिमाग। सुबह कितने बजे खोलते हैं? सुबह 11:30 बजे, 11:30 बजे, और ये कब तक खत्म होता है? रात को 9:30 बजे, 9:30 बजे खत्म हो जाता है, 9:30 बजे 10 बजे जब तक नसीब वालों को मिल जाए जी। ये माशा चप्पल कबाब, अच्छा ये जो आपका जो लंबा वाला कबाब है इसको क्या बोलते हैं आप? मुट्ठी कबाब, मुट्ठी और दफ्तरी कबाब, ये भी सही है यार। ये कितने का कबाब है? कबाब कितने का? एक कबाब एक 70 रुपये पाओ के हिसाब से, अच्छा आधा पाओ का कबाब है 70 रुपये का, किलो में 8 पीस आते हैं। ये जी हमारे लिए स्पेशल आए हैं यार, ये जो है ना इनका दफ्तरी कबाब है, इसको मुट्ठी कबाब बोलते हैं। ये देखो ये एक लंबा कबाब है, और ये इसका अंदर से टेक्सचर जो है ना ऐसा ही है, ये प्याज और इसमें सूखा धनिया और साबुत मिर्चें हैं, इसको ट्राई कर लेते हैं। वैसे जो इनके पास कबाब चलते हैं ना वो चपली कबाब दूसरी तरह के होते हैं, ये भी इनके पास स्पेशल चलता है कबाब, चपली कबाब, क्योंकि यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस कबाब जो है जुगियाँ के एरिया में और पूरे एपटाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस कबाब है। ये मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ पर बैठा हुआ जो रश सारा रश नज़र आ रहा है, वो सारे लोग जहाँ बैठे हैं इस कबाब के चक्कर में बैठे हैं, इतना लजीज कबाब है, इसको ट्राई करते हैं बिस्मिल्लाह। ओहो यार, इसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, दिस इज़ द बेस्ट कबाब, माइक ड्रॉप फुल स्टॉप एंड, ओहो बहुत नेक्स्ट लेवल कबाब है। अगर आप एबटाबाद आ रहे हैं, आपको कलंदराबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, एबटाबाद से आप मरी रोड पे हैं, जो रोड मिथिया गली को जा रही है, उसके बाद आप यूटर्न लेके राइट साइड पे आपके ये कबाब वाला शॉप आएगी वाली। मैं इस कबाब को खाने के बाद ना एक ऐसी कंडीशन में हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इस टाइम अजीब सी एक्साइटमेंट है, एक अजीब सी खुशी है कि यार मैंने क्या चीज़ खा ली है। ये मैंने आपका कबाब खाया, मैं आपको देखता हूँ, मैंने कबाब अभी खाया है, मेरे हिसाब से ये पूरे पाकिस्तान का सबसे बेस्ट कबाब है। आपको ये फर्द है, चावल बड़ा मज़े का यार, बड़ा मुनासिब मीठा है इसके अंदर, बहुत आला यार, आई लाइक इट। अच्छा यार बाज़ अवक़ात ऐसा होता है कि वीडियो बहुत अच्छी बनती है, बाज़ अवक़ात वीडियो बहुत अच्छी नहीं बनती है, और कुछ जगहों पे शायद मैं टेस्ट को उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता जिस तरह से एक्सप्लेन करने का हक़ होता है। मुझे इस टाइम जाना, मेरे इतना जज्बाती हो गया हूँ ये खाना खा के, इस तरह इस कदर नेक्स्ट लेवल चीज़ें, मुझे लग रहा है यार मेरे एबटाबाद आने के पैसे है ना वसूल हो गए कबाब खाने के बाद। आपने इसकी वीडियो क्वालिटी पे नहीं जाना, जैसी भी बनती वीडियो अच्छी बनती है, बुरी बनती जैसी भी बनती है, लेकिन ये कबाब भाई अगर आप स्पेशल आ जाओ, पूरे पाकिस्तान से आप कहीं भी जहाँ पे भी वीडियो देख रहे हैं, इस कबाब के लिए आप स्पेशल आ सकते हैं आंखें बंद करके, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। ये नाम आपने याद रखना है, ये अब्दुल कबीर
मशहूर चप्पल कबाब। अच्छा जी, अभी हम आ गए हैं सरबन होटल वाली साइड पे। ये सरबन बड़ा फेमस होटल है यहाँ पे। अगर आप फुआरा चौक से जाएंगे वहाँ सराय की तरफ, तो शुरू में आपके राइट साइड रहेगा सरबन होटल। सरबन होटल के साथ बिल्कुल नीचे एक रोड उतरा है, इसको लिंक रोड बोलते हैं। लिंक रोड के स्टार्ट में ये मेरी बैग पे है कराची स्टूडेंट्स बर्गर है ये। और मज़े की बात यह है कि है ये स्टूडेंट्स बर्गर, इनके पास बर्गर भी मिलते हैं, लेकिन इनकी एक फेमस चीज़ है वो है इनकी दाल माश वाली, मतलब फ्राई करके दाल माश देते हैं, उसमें गोश्त भी मिक्स करते हैं। बड़ी मतलब दिखने में बड़ी, सुनने में बड़ी अजीब बात लग रही है कि बर्गर है और साथ में इनके पास दाल माश है, तो अभी इनसे वो ट्राई करते हैं। लोकेशन सिंपल समझ आते हैं। ये मेन GT रोड है, ये इधर फुआरा चौक साइड से आ रहा है, इधर फुआरा चौक साइड से इधर को आ रहा है। जैसे आप आएंगे तो आगे से यू टर्न लेके वापस आएंगे आप, और ये सरबन होटल है आपके राइट साइड पे। ये सरबन होटल है सारा, ये इसकी बिल्कुल नीचे लिंक रोड पे ये है स्टूडेंट बर्गर, इनके पास चलते हैं जी। ये इनका सेटअप है, ये बाहर जो है यहाँ पे ये बर्गर शर्गर, ये टिक्कियाँ शामी टिक्कियाँ लगी हुई हैं सारी, और ये पीछे बर्गर बन रहा है। और यहाँ पे जो है ना अंदर, यहाँ पे इनकी दाल माश वाला सेटअप है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? उसामा तनोली। आप बालाकोट वाली साइड से? नहीं नहीं, हम इधर के। इधर के ही हैं आप? अच्छा, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, ये आपका स्टूडेंट बर्गर है, माशाल्लाह बर्गर बन के आ रहे हैं। कितने का बर्गर है ये? 70 का सादा बर्गर होता है, अंडा डाल के 100 का, अंडे के बगैर 70। अच्छा, ये दाल आपकी बड़ी फेमस है, ठीक है, चक्कर है आपका फेमस, मतलब नाम बर्गर है और आपकी स्पेशल डिश भी आपने वो लिख के लगाया है, स्पेशल डिश जो है वो दाल माश है। ये बस साथ दाल माश भी है हमारे पास, फ्राई गोश्त भी होता है, फ्राई कीमा भी होता है, बर्गर भी होते हैं। स्टूडेंट्स बर्गर की यहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा है, यहाँ पर कॉलेज है कोई? ज़्यादा होते थे, कॉलेज का टाइम होता था उस वक्त, इस वजह से इसको स्टूडेंट। अब नहीं है? अभी भी होते हैं, लेकिन ये उस वक्त हुआ था 1971 में। अच्छा, 71 से है ये? 71 से ये शॉप। तो किसने स्टार्ट किया था ये? ये मेरे दादा को स्टार्ट किया, दादा को ने स्टार्ट किया था। आप बनाते हैं जी बर्गर? माशाल्लाह, ठीक है यार। ये जो है ना सिंपल इनका सेटअप है सारा, यहाँ पे बर्गर शर्गर बन रहे होते हैं, और शामी बर्गर लिख के भी लगा हुआ है कि ये है। मज़े की बात यह है कि है स्टूडेंट्स बर्गर, और इनकी जो खास स्पेशल डिश है वो ये स्पेशल डिश दाल माश गोश्त फ्राई कीमा फ्राई। कितने की होती है दाल माश या फ्राई करते हैं? 80 रुपये की दाल माश है। 80 रुपये की? 80 रुपये एक प्लेट दाल है। एक प्लेट दाल और फ्राई गोश्त जो है वो 150 का है। अच्छा, कीमा भी 150 की। ये जी वो स्पेशल दाल है, ये दाल माश, माशाल्लाह ठीक हो गया। फ्रांस बीन की फलियाँ और आलू हैं? अच्छा अच्छा, ये होती है फ्रांस बीन की फलियाँ, और मैंने पहली दफ़ा देखी है। सही है। और ये जो है कीमा, ये बड़ा बड़े गोश्त का कीमा? अच्छा, बीफ का कीमा। और ये क्या चीज़ है जी? कढ़ाई गोश्त है। अच्छा, सही, ग्रेवी वाला कढ़ाई गोश्त है ये, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मैंने ना इनके बारे में एक चीज़ ये भी सुनी है कि मैं अभी जहाँ बैठा हुआ था वो मुझे बता रहे थे कि इनका एक दाल जो है ना, दाल तो है ही है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इनके पास दाल और गोश्त जो है उसको अलग अलग फ्राई करवा के मिक्स करवा लेते हैं बाद में। आप इकट्ठी भी फ्राई कर देते हैं? इकट्ठा भी फ्राई हो जाता है, अलग अलग बना, दाल और गोश्त इकट्ठा अगर फ्राई कर दें हो जाएगा, ये कढ़ाई गोश्त भी है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आप दाल गोश्त फ्राई करवाएं या दाल कीमा फ्राई करवाएं? जो आपको पसंद हो। आप क्या कहते हैं? दाल गोश्त करा लें। चलिए दाल गोश्त ट्राई कर लेते हैं, हमारे सामने फ्राई करेंगे आप, आपके सामने भी एक बर्गर भी ट्राई कर लेंगे आप, क्योंकि असल में तो स्टार्ट को बर्गर से हुआ था। आपका नाम क्या जी? मोहम्मद जाकिर साहब। जाकिर साहब, खाना यहाँ पे आप बनाते हैं? आपने हमारे लिए जो है ना ये दाल लेनी है, ठीक है, और साथ आपने ये लेना है यहाँ से कढ़ाई गोश्त, और इसको मिक्स करके ना आपने प्यार से ज़रा अच्छे तरीके से तड़के वाला लज्जत वाला जो है ना आप तैयार कर दें हमारे लिए, करें तैयार। ये स्पेशल कढ़ाई है इनकी। अच्छा, इसमें पहले ऑयल आएगा यार, इनू तो चुप करा लो। ये आ गया गोश्त। ये कौन से जानवर का है? ये भैंस का। भैंस का? और रान का गोश्त है या मिक्सर? ये रान का। रान का। लो जी, ये दाल आवे मिक्सर। दाल थोड़ी ज़्यादा कर दें, दाल का फ्लेवर भी तो आना चाहिए ना।
ये चीज, ये धनिया, दादी मिर्चें आएंगे इसके अंदर। हमारे सामने जो है ना स्पेशल कढ़ाई इनकी आ गई है, ये जो कढ़ाई है ना इसको इन्होंने बड़े प्यार से बड़े तरीके से बनाया, और ये छोटी सी खुद भी एक कढ़ाई है, ये मतलब ये इटसेल्फ एक कढ़ाई ही है, गर्म है काफ़ी। इसको ट्राई करते हैं, मतलब ये दाल माश और साथ में जो है बड़ा गोश्त की कढ़ाई इन्होंने बना के रखी थी, वैसे डिफरेंट टाइप की कढ़ाई है, ग्रेवी वाली बहुत ज़्यादा। पहले सिंपल जो है वो दाल को ट्राई करते हैं, सिंपल दाल इसमें आ जाएगी, साथ में थोड़ी सी ये यहाँ से उठाते हैं इसको। स्पेशल दाल माश वाली कढ़ाई फ्रॉम स्टूडेंट बर्गर। ख़त्म। मैं थोड़ा सा पहले अट्टाबाद आया था, ऊपर सरबन होटल है वहाँ पे मैं रुका था। अगर मुझे तब पता होता ना कि यहाँ पे ये चीज़ मिलती है, मुझे यकीन करना नहीं छोड़ना नहीं था इसको। इस कदर कमाल चीज़ है, दाल खड़ी खड़ी है, दाल बिल्कुल भी होते हुए ना बाल को तो मेल्ट हो जाती है दाल, वो घुले हुआ सीन नहीं है इसका, दाल खड़ी खड़ी दाल है, ऊपर जो फ्लेवर आ रहा है धनिया का हल्का सा, और साथ में जो मिर्चों का एक अलग से अरोमा आ रहा है, मिर्चों जो उसमें फ्लेवर ऐड कर रही है ना यार, वो बहुत ही कमाल चीज़ है। खाली दाल हो सकता है इस तरह की ना हो, लेकिन इनकी खुद की स्पेशल रिकमेंडेशन यही थी कि साथ में बीफ की जो कढ़ाई इन्होंने बनाई हुई है वो मिक्स करके, और अभी यार बहुत एंड सीन हो गया, बहुत एंड सीन हो गया। आपको किसी शहर से खाने के लिए स्पेशली खाने के लिए आना पड़े ना, आप आ जाओ यहाँ पे, इस कदर लक्स लेवल चीज़ है ये। अभी साथ में ये जो कढ़ाई इन्होंने बनाई हुई है, अभी साथ में थोड़ा सा ये बोटी आ जाएगी जो है, ये दाल माश आ जाएगी, इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। गोश्त का अरोमा इसका तो कमाल है, गोश्त जो है ना वो बिल्कुल घुला हुआ नहीं है, खड़ा खड़ा गोश्त है। आपको जमाने का टाइम मिलता है, कुछ लोगों को चुई भी फील होगा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है ना बहुत ज़्यादा चुई है, आपको चबाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर चबाने से इसमें फ्लेवर आ रहा है थोड़ा, गोश्त का जो फ्लेवर, बीफ का जो फ्लेवर निकल रहा है वो इसमें निकल निकल के आ रहा है। मैं एक आपको मशवरा देता हूँ, अगर किसी को गोश्त नहीं पसंद है, अगर आपको गोश्त नहीं पसंद है तो आप ये कर सकते हैं कि इनसे जो गोश्त का जो गोश्त की जो ग्रेवी बनी है ना वो ग्रेवी डलवाएँ, साथ में दाल ऐड करवाएँ और उसको उस तरह से फ्राई करवा खा लो यार, ये बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है। स्टूडेंट बर्गर के ऊपर इस लेवल की जो है दाल मांस वाली कढ़ाई मिल रही है यार, चेक करो यार ये, चेक करो ज़रा ये चीज़, चेक करो ये, चेक करो ये। इसकी कोई ऑप्टिमम बाइट नहीं निकलती है। साथ इन्होंने ये जो है ये सैलेड दिया हुआ है, साथ इन्होंने स्पेशल चटनी दी हुई है, मैं इसको शो कुछ भी ऐड नहीं करूँगा इसके अंदर, कि इट्स सेल्फ इट्स एन ऑप्टिमम थिंग। दाल गोश्त फ्राई बहुत कमाल का, इनका बर्गर जो कि फेमस बर्गर है स्टार्ट बर्गर से, तो बर्गर भी ट्राई कर लेते हैं कि ये बर्गर बनवा रहे हैं अपने लिए। अच्छा ये जो कबाब आपने बनाया हुआ है शामी, ये दाल का है सिर्फ दाल, इसमें गोश्त चिकन है, बीफ है, दाल और बीफ है इसके अंदर। अच्छा जी, अंडा आ गया, ये स्पेशल मसाला है कोई, ये काली मिर्च मसाला है। अच्छा ये जी इधर सैलेड आ गया है, ये केचप है या खुबानी की चटनी है? अच्छा केचप है, ठीक है। तो जी रेडी हो गया। अच्छा इसको उल्टा करके भी फ्राई करते हैं एक दफ़ा, बेहतरीन माशाल्लाह। तो ये रेडी हो गया। आप कब से खा रहे हैं यहाँ से? आप स्टूडेंट थे यहाँ पे या वैसे ही रिहायशी हैं यहाँ पे? इनके बाल दादाजी थे पहले, वही जायका थे, ठीक हो गया। एक चीज़ जो है वो स्टार्ट बर्गर से हुई थी, बाद में इन्होंने जो है ऐड किया है उसके अंदर दाल माश और जो अपना कढ़ाई गोश्त वाला सिस्टम जो है बाद में इन्होंने ऐड किया, तो अगर एक चीज़ वो इतनी कमाल चीज़ है, मतलब जो इन्होंने बाद में ऐड किया वो इतनी कमाल चीज़ है, तो जिस चीज़ से इन्होंने स्टार्ट लिया होगा वो कितनी कमाल होगी। सिंपल सा है ज़्यादा, इसमें कुछ उन्होंने डाला भी नहीं है, लेकिन मुझे लगा जो इनका जो है ना वो कबाब और ये चटनी इसके अंदर सारा फ्लेवर होगा शायद ये। माशाल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह। एबटाबाद वालों, अगर आपने ये नहीं खाया चालू कसम में खा लो आगे। ये ऐसा हो नहीं सकता कि एबटाबाद वालों ने खाया ना हो, लेकिन एबटाबाद की ये चीज़ जो है ये पहले मैंने कभी सुनी नहीं। मैं पहली दफ़ा ये देख रहा हूँ और मुझे किसी ने रेकमेंड किया था कि एबटाबाद का ये नेटिव है, ये यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ का पुराना रेस्टोरेंट है, बहुत पुराना होटल है ये, चेक करो यार आप। ये इतना कमाल बर्गर है, जो असल फ्लेवर है इसका वो जो इन्होंने चाट मसाला ऊपर डाला है अंडे के ऊपर उसमें है, और साथ में जो इन्होंने कबाब ऐड किए हैं, कबाब के अंदर जो इन्होंने मसाले ऐड किए हैं ना यार, वो बड़े कमाल के हैं। इंतहाई कमाल चीज़ है यार माशाल्लाह, बहुत कमाल का बर्गर था और बहुत ही कमाल की जो है ना इनकी दाल थी। अगर आप एबटाबाद में कभी आते हैं और आपको हल्का सा स्नैक चाहिए, वो खाना चेक करो आप यार, 150 रुपये की दाल और साथ में गोश्त कढ़ाई और 100 रुपये का बर्गर, और अगर दो रोटियां भी आप लेंगे साथ 40 रुपये की रोटियां हो जाएंगी, तो टोटल जो खर्चा है आपका वो 300 रुपये के अंदर दो बंदे यहाँ पे माशाल्लाह पेट भर के खाना खा सकते हैं। इतना इकोनॉमिकल फूड है ये वाला। अभी आपसे यहाँ पे जो है वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। दिस इज़ माय इंस्टाग्राम, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आपसे गपशप होती है, बातचीत होती है, लाइव जाता हूँ और भी बहुत कुछ होता है इंस्टाग्राम के ऊपर। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर किसी और सिटी के साथ, किसी और शहर, किसी खाने के साथ और किसी नई कुजीन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।